हे भगवान, अब इस समय ये किसका फोन आ गया? हेलो, कोमल थिएटर से बोल रहा हूँ। ओनर श्रीधर जी मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? वो आप उन्हें क्या देंगे? माफ कीजिए, उनसे बात करनी थी। तो कीजिए, आप बहुत ही भाग्यवान हैं क्योंकि आप श्रीधर गुप्ता जी से ही बात कर रहे हैं। वो क्या है, मुझे माफ कर दीजिए। बार बार माफी मांगने की जरूरत नहीं है, एक बार मांग लिया बहुत हो गया। बार बार माफी देता रहूंगा तो दूसरों के लिए नहीं बचेगा। भाई, दूसरों के लिए भी थोड़ी माफी बचा कर रखनी पड़ती है ना। लगता है थोड़ा गुस्से में है। गुप्ता जी, हमने जो नाटक बुक किया था वो आज नहीं हो पाएगा। क्या कहा, नहीं हो पाएगा? नाटक तो हमें ही करना है, आपने तो सिर्फ बुक किया है, हम करने के लिए तैयार हैं। बात यह है, हमारे क्लब के सेक्रेटरी के ससुर जी गुजर गए। मरा हुआ आदमी नाटक नहीं देख सकता, ये मैं भी जानता हूँ, लेकिन वहाँ और लोग भी तो देख सकते हैं ना। ऐसा तो नहीं है ना कि ससुर जी वहाँ के लोगों की आंखें भी लेकर के चले गए हैं? आप इस तरह की संवेदनहीन बातें करेंगे तो आपसे कुछ नहीं कहूंगा। आज यहाँ कोई नाटक नहीं होगा, दूसरा दिन देखकर आपको बता दूंगा, उसी दिन आप नाटक कीजिएगा। हेलो हेलो, गए मेरे 16,000। मिल गया। समय के मोतियों को सिर पर चढ़ाकर मैं दूसरे लोक का भ्रमण करूंगा। हाँ। तुम्हें पता है थके हुए लेखक? ओह, क्या मुसीबत है। देखिए गुप्ता जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे उस नाम से बार बार मत बुलाया करिए। मुझे जब भी बुलाया करो दिनेश कहकर बुलाया करो, उस नाम से मुझे चिढ़ होती है। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी को लोग गांधी कहकर ही बुलाते हैं ना, तुम उनसे बड़े आदमी तो नहीं लगते हो फिलहाल। मेरे नाम को छोटा करके और मुझे छोटा मत बनाइए। ये सब अपनी अपनी किस्मत की बात है कि भाई नाम छोटा है या फिर बड़ा है। हमारा जो नाटक होना था वो कैंसिल हो गया है, 16,000 रूपए डूब गए हैं हमारे। ये क्या कह रहे हैं? उसी से उभरने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ, सुधीर से मिलता हूँ। सुधीर, अब तेरी खैर नहीं। सुधीर के कहने पर 12,000 रूपए दिए, असल और ब्याज मिलाकर होते हैं 12,800 रूपए जो नहीं मिलने वाले, ये भी डूब गए। फिर से सुधीर के कहने पर नायक को 24,000 रूपए दिए और ब्याज और असल मिलाकर 40,000 होते हैं और ये पैसे भी डूब ही जाएंगे। सुधीर, कौन है? डर गए? अरे डरूंगा क्यों मैं? डरना सही है, डरो, भगवान से डरना चाहिए। हाथी रखने वाले घरों के बारे में तो सुना है, मगर इस घर में तो पंडितों को रखा हुआ है। क्या बात है श्रीधर? सुधीर कहाँ है? उसे किसी से मिलना है कहकर सुबह ही निकल गया था। किसी से मिलने की क्या जरूरत है, मुझसे मिल लेता वही काफी था। मैंने उसे कहा भी था कि आने वाला हूँ। कुछ काम था? एक बहुत ही जरूरी काम था। तुम तो उसके बारे में जानते ही हो ना, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कुछ बताता ही नहीं है। कोई खास बात थी श्रीधर? खास बात यह है कि मेरे 16,000 रूपए डूब गए हैं। आज के नाटक के लिए मैंने एक बुकिंग ली थी, फिर उसने बताया कि उसने भी एक बुकिंग ली हुई है। अब अपनी बात को सही ठहराने की सफाई दे रहा है वो। गलती से भी हो, नुकसान और मानहानि दोनों की होती है, ये सच है। ये देखिए, उसके कहने पर और उसकी सिफारिश में मैंने जिन लोगों को पैसे दिए, असल और सूद का हिसाब है, पूरे 1,00,000 रुपए और उसका ब्याज देना बाकी है अभी तक। कहाँ मिलने वाला है वो? उसे पहले से ही मालूम था कि वो हम लोगों को पैसे नहीं दे सकता, इसलिए अपने बुजुर्गों के मकान के ऊपरी हिस्से में हमें बिठा दिया है। कहता है यहाँ पर शांति से रहो। गुप्ता जी को तो आप जानते ही होंगे? हाँ, जानता हूँ। वो भी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन वो लोग मुझे एक बक्से में बंद कर देंगे। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। क्या कहा तुमने? बस करो, बस करो। किसने कहा कि वो योग्य नहीं है? बोलो, बताओ। मेरे भाई के बारे में अगर एक भी बात गलत कही ना तो क्या जानते हो तुम उसके बारे में? अरे मैं उसकी बुराई कहाँ कर रहा था, हर आदमी का एक स्वभाव होता है, उसी तरह तुम्हारे भाई का भी स्वभाव है। वो ईमानदार है, काफी ईमानदार आदमी है, उसके जैसा इंसान तो होगा ही नहीं। जानते हो ना? बिल्कुल जानता हूँ। सुना? हाँ, वो तो मैं भी जानता हूँ। दुनिया के बहुत सारे बैंक ऐसी स्थिति में गिर जाते हैं, इसी को कहते हैं मंदी आना।
सुधीर सर की क्लास सच में बहुत अच्छी होती है ना? हाँ, पर ये तो तभी होता है जब कोई दूसरा टीचर लीव पे जाता है। हर दिन दिवाली तो नहीं हो सकती क्या? हाँ, सर सही कहा। साल का हर दिन तो दिवाली नहीं हो सकती है मेरे बच्चों, इसीलिए जो चीज कभी कभी मिलती है उसका अपना एक अलग ही महत्व होता है। रोक रोक रोक, यहीं पर रोक, यहाँ चल कर देखो, यहीं पर कहीं होगा, खोजो। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स मीन्स अमेरिका। चलो इस तरफ देखो, उधर जाओ। आई मीन दिस इज, यहाँ पर देखते हैं। हमारा मास्टर कहाँ है? तुमने सुधीर को देखा क्या? कल रात सुधीर की मौत हो गई है सर। पकड़ो पकड़ो उसे, पकड़ो, भागने न पाए, पकड़ो, ए हटो हटो। हाँ अब ठीक है। Hey, तुमने सुधीर को देखा क्या? नहीं, मैंने सुधीर को नहीं देखा, शायद वो उस तरफ होगा, जाकर देखो। आइए hey, वो रहा, पकड़ो, चलो भागने न पाए, पकड़ो उसे। बड़े मजे ले रहे हैं। चलो पानी में गिर गया है, देखो खुद पानी में, पकड़ो उसे, देखो बाहर निकालो उसे, छोड़ना मत उसे, बाहर निकालो जल्दी। अच्छा, यानी कि उस थिएटर के मालिक आप ही हैं। वो सुधीर आपका ही आदमी है ना? आपके कहने पर ही तो मैंने उसे पैसे दिए हैं। उसने पैसे वापस नहीं किए? नहीं, कल सुबह तक अगर उसने मेरे पैसे वापस नहीं किए तो मुझे पैसे वसूल करने के और भी तरीके आते हैं, देख लेना। ये वासु कौन है उसे अच्छी तरह से पता चल जाएगा, ना वो जिंदा रहेगा ना फ्रॉड करेगा, समझे? தெய்யும் தக்க தெய்யும் தாம், தெய்யும் தக்க தெய்யும் தாம், தெய்யும் தக்க தெய்யும் தாம், தெய்யும் தக்க தெய்யும் தாம். मैं गुरुजी से मिलने आया था, बस ऐसे ही। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। सच में ऐसे ही आए हैं सुधीर जी? आप तो बिना काम के कभी नहीं आते। ऐसी बात है, फिर इधर आओ, बताता हूँ। प्लीज। मेरी बुआ जी की 70वीं सालगिरह है, उसका जश्न मनाना था। मैंने सोचा कि ऐसे समय में वहां किसी कलाकार का होना चाहिए, इसीलिए यहाँ बुलाने आया। सुधीर जी। ओफ, क्या मुसीबत है, ये ऐसे देखती है जैसे पुलिस वाला चोर को देखता है। चोर तो हो। सच कहा, छोटे छोटे झूठ बोलकर लोगों को धोखा देकर मैं अपने दिन निकाल रहा हूँ। तुम तो जानते ही हो मुझे अपने परिवार के कई लोगों को खुश रखना है, वो भी महिलाओं को, तो बताओ क्या करूँ? क्यों, फिर कोई नई मुसीबत? मुसीबत तो पुरानी ही है, कर्ज वापस नहीं किया तो गुंडे तो पीछे पड़ेंगे ही। मैंने तुम्हें बताया ना, आज मेरे घर में पूजा है, काफी लोग आएंगे, समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। चलाने के लिए कितने पैसों की जरूरत है? क्या बताऊं, मुझे शर्म आ रही है। बेटी, अपनों से शर्मा कर बाहर वालों के सामने बेइज्जत होने के लिए तैयार है? क्यों, मैं ठीक कह रहा हूं ना? ये बात नहीं है गुरुजी, बार बार आपसे पैसे लेकर काम चलाता हूं, लेकिन वापस नहीं लौटा पाता हूं, और आपके किसी काम भी नहीं आ पाता, मैं बहुत शर्मिंदा हूं गुरुजी। अरे वो सब हो जाएगा, तुम्हारा भी अच्छा समय आएगा, घबराने की बात नहीं। बेटी, इसे जितना पैसा चाहिए दे दो, मुझे इस पर पूरा भरोसा है। अब बेटा, मेरा कोई भी लड़का नहीं है, मैं भी अपने परिवार का इकलौता लड़का था, मैं समझ सकता हूं, बहुत अच्छी तरह से इन हालातों को समझ सकता हूं मैं। छोड़ो इन सब बातों को, ये बताओ आज नाटक कहाँ है? पास के गांव में। आज नाटक नहीं है। लेकिन हुआ क्या? अरे, होना क्या है,
तुम्हारा प्रवचन सुनकर ही ये सब हुआ है। मैंने जो नाटक बुक किया था वो भी तुमने रद्द करवा दिया और तुम्हारा भी रद्द हो गया। 16,000 गए मेरे। सिर्फ मेरे कहने के बाद उस वासु ने तुम्हें कर्ज दिया था। कल सुबह तक पैसे वापस लौटा देना, यही कहने आया हूं। मैंने उसका इंतजाम कर लिया है। पैसे लौटाने का क्या? अरे नहीं नहीं, पैसे नहीं लौटाने का। वो क्या है, अगर आप मुझे बिना बताए नाटक की बुकिंग लेंगे तो मैं नहीं आ पाऊंगा, बता देता हूँ। क्योंकि सीरियल वालों को मैंने अपनी शूटिंग की डेट दे दी। कल जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा होगा तो दर्शकों से कह दूंगा कि दुशासन शूटिंग के लिए गया है। देखो, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं नहीं हूँ तो सुधीर है ना। ओ, दुर्योधन हो या दुशासन हो, सबके लिए सुधीर ही है ना। काम के प्रति कितनी ईमानदारी है। मैं देख रहा हूँ कि आजकल सच्चे कलाकार मिलने कितने मुश्किल हो गए। तुम जाकर दुशासन का संवाद याद करो। दुशासन कितना भी बड़ा किरदार हो, उसे करने वाला कोई भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता उससे। कल वहाँ नाटक होगा, नहीं तो मेरे 16,000 डूब जाएंगे। भैया, मैंने कितने ही नाटक में सहायक किरदार किया, लेकिन एक बार मैं भगवान श्री कृष्ण का अभिनय करना चाहता हूँ, हो सकता है। लेकिन तुम्हारा वजन थोड़ा ज्यादा। ऐसी बात है। तुम्हारे साथ साथ भगवान की भी यही इच्छा होनी चाहिए। मैं भी इंटरनेशनल डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, लेकिन भगवान चाहे तब तो। भैया, ये इच्छा नहीं है, महत्वाकांक्षा है। श्री भैया, पंचाली चीरहरण अध्याय के सारे किरदारों के बारे में मुझे अच्छी तरह पता है, ये तो आप जानते ही हैं। इसीलिए आप उसकी टेंशन छोड़ दो। वो छोड़कर दूसरी टेंशन देने वाले हो? बड़ी बुआ की 70वीं सालगिरह। अच्छा, तो ये बात है। हाँ, पूरा परिवार एकजुट होगा, छोटी सी दावत भी होगी, बस इतना ही। तुम नहीं सुधरोगे, कभी नहीं सुधरने वाले हो। एक रुपया तो कमाते नहीं हो, ऐसे में कर्जा लेकर ये सब करना कोई जरूरी था क्या? तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, नो चांस। जो लोग लड़की देखने आए थे उनसे किसी ने कह दिया कि बुआ जी की जन्म कुंडली में दोष है, उसके बाद उन्होंने आज तक दूसरा लड़का नहीं देखा। बस इसी वजह से छोटी बुआ ने भी शादी नहीं की। मेरे पिता की बड़ी बहन है बेचारी, इतनी उम्र होने के बाद भी उनके गले में एक मंगलसूत्र तक नहीं है। उनकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे मुझे कितना भी कष्ट उठाना पड़े, इसमें भी एक आनंद है। तो फिर ऐसे में दावत मत दो, ऊटी, कोडाईकनाल या फिर किसी अच्छी जगह पे घूमने निकल जाओ अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने के लिए। चाहता तो मैं यही हूँ। जैसे आपने कष्टों का सामना किया, उसी तरह मेरे संकट हरना प्रभु। आप कष्ट में थे तो आपके साथ प्रभु थे, लेकिन मैं अपने कष्ट किसे बताऊं? जो मेरे पैसे लेकर भाग गए वो लोग महापापी हैं प्रभु, पर एक आदमी है जो मेरे कष्टों को पूरी तरह से दूर कर सकता है। बुरा मत मानना प्रभु, मेरी रक्षा करना। मैं जो भी कर रहा हूं आप करवा रहे हो, आपकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। पाल भैया, क्या है चोर कहीं के? पाल भैया, आप मुझे चोर नाम से मत बुलाया करें। तुम्हारे घर वालों को जो तुम्हारा नाम रखना था ना, मैंने उसी नाम से बुलाया, चोर कहीं के। मैं हमेशा आपके इसी स्वभाव के बारे में सोचता हूँ, चाहे कितनी भी मुसीबत हो, अपनी भावनाओं को किसी के सामने दिखाए बिना हमेशा अपने चेहरे पर खुशी रखते हुए हंसते रहते हैं। सही कहा ना भैया? लेकिन मैं हंस नहीं रहा हूँ सुधीर। सही कहा आपने, आप हंस नहीं रहे, लेकिन इसे कहते हैं क्लासिक ह्यूमर। चार्ली चैपलिन खुद नहीं हंसते लेकिन दूसरे हंसते हैं। और भी कई उदाहरण है, जॉनी लीवर, महमूद। सच कहूं भैया, आप भी बिल्कुल उन्हीं के जैसा हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं भैया, मैं आज जो जिंदा हूं वो सिर्फ आपके मजाकों के कारण ही। मेरे पास आपके जैसा भाई है, इसीलिए मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं, नहीं तो कब का मैं आत्महत्या कर लेता। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, हे प्रभु मुझे भी ये देखने का सौभाग्य देना। सुन, आत्महत्या करने के लिए आत्मसम्मान की जरूरत होती है, तुझे कहीं जाके डूब मरना चाहिए बेशर्म चोर कहीं का। लोगों द्वारा किए गए अपमान और जो आपसे प्यार करते हैं उनकी चुपती हुई बातें भविष्य में मिलने वाली सफलता के लिए मील के पत्थर साबित होंगे। ये लीजिए। नहीं भैया, अरे प्रभु पानी नहीं मिला था क्या? वैसे ये कौन से नाटक का अध्याय था जो तुमने पढ़ा था पर उसमें अभिनय नहीं कर पाए? सही कहा आपने, सही कहा। पाल भैया मैं जा रहा हूँ। रुक जा। मैं एक ऐसा अभागा हूँ जो किसी भी किरदार को नहीं निभा पाया। भैया मैं एक अभागा कलाकार हूँ, एक अभागा कलाकार। Ha 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 ha!
देख यार, मेरे सामने रोया मत कर तू। रोऊ नहीं तो और क्या करूं भैया, कैसे रहूं रोए बिना। सत्तरवीं। क्या कहा? सत्तरवीं? सत्तरवीं पाल भैया, सत्तरवीं। सत्तरवीं का क्या मतलब है? बड़ी बुआ की सत्तरवीं। तो क्या ऑपरेशन करना पड़ेगा? बुआ जी को पैदा हुए 70 साल हो गए हैं। जश्न तो मनाना ही होगा ना। अगर 2500 रुपए का इंतजाम नहीं हुआ तो बड़ी बेइज्जती होगी और मुझे अपना जीवन खत्म करना पड़ेगा। जा रहे हो? अगर आप 2500 का इंतजाम कर देंगे तो फसल कटते ही मैं वापस कर दूंगा। तुमने पहले भी ऐसा ही कहा था कि फसल कटते ही पैसे लौटा दूंगा, पर पैसे तो दिए ही नहीं। अरे भैया, ये सब बातें करने के लिए अभी बहुत समय है। हमें तो इस वक्त के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि बुआ जी की 70वीं तो नहीं रुकेगी ना भैया। तुमसे रुकने के लिए किसने कहा? हाँ? मैं हूँ ना, ऊपर वाले ने मुझे इसलिए तो भेजा है। पाल भैया, मैं दूंगा पैसे। पाल भैया, रोते नहीं, रोते नहीं। कुछ जल रहा है? मेरा दिल नहीं जल रहा है। आपका दिल नहीं लगता है? खाना जल गया। हे भगवान, मेरा ऑमलेट। बुआ जी काजल दो और सुंदर लगेंगी आप। तुम चाहो तो एक लड़का ढूंढ दे। इस घर में एक मंगलकारी होना चाहिए बेटी। सुनो। तुम चाहो तो। बहन, तुम नहीं जानती कि तुम्हारे मजाक ने उनका दिल दुखा दिया है। बिना जिंदगी जिए काले बाल अगर सफेद हो जाए तो दुख होता ही है। उनके मन में जो दुख छिपा है उसे तुम्हारा ये भाई अपनी जान देकर भी दूर करेगा। जा और सुन, जाकर खाने का इंतजाम देख। अरे जा जल्दी। ईश्वरी देवी, जरा हाथ पर चलाया कीजिए और काम भी देखा कीजिए। इतनी तकलीफों के बावजूद तुमने फिर से कर्ज लेकर तुम ये सब कर रहे हो। ये सब देखकर मुझे डर कैसे नहीं होगा बेटा? डरने वाली कोई बात नहीं है माँ। जिंदगी में डर कर हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। बस निश्चय करने की देर है माँ, उसके बाद हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। फिर जिंदगी चलेगी नहीं, समझ लो दौड़ेगी। तेरा लाडला तू मेरी माँ, कदमों में तेरे है मेरा जहाँ। कुछ भी नहीं तेरी ममता से बढ़कर, आंचल है तेरे मेरा आशियाँ। तू देव की तू यशोदा मेरी, मैं तो हूँ नन्हा गोपाला तेरा। तेरा दामन ही मेरी खुशी का निशान। मैं तेरा लाडला तू मेरी माँ, कदमों में तेरे है मेरा जहाँ। कुछ भी नहीं तेरी ममता से बढ़कर, आंचल है तेरे मेरा आशियाँ। सुनाती थी तुम, बाहों में मुझको सुलाती थी तुम। उंगली तेरी पकड़ के चला मैं, थामा तूने तो हो गया खड़ा मैं। मंदिर सा प्यारा घर ये, स्वर्ग से भी सुंदर है आशियाँ ये। माँ मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ। मैं तेरा लाडला तू मेरी माँ, कदमों में तेरे है मेरा जहाँ। कुछ भी नहीं तेरी ममता से बढ़कर, आंचल है तेरे मेरा आशियाँ।
ममता इतनी महान, पूजा करूं तेरी मैं सुबह शाम। तू जो हस्ती है तो जहाँ ये हंसता है, मन में तेरे दिया जो जलता है। तूने दिया है जो प्यार, मैं जितने जन्म लूं तू बने मेरी माँ। माँ मेरी माँ, मेरी माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ, मेरी माँ मेरी माँ। मैं तेरा लाडला तू मेरी माँ, कदमों में तेरे है मेरा जहाँ। कुछ भी नहीं तेरी ममता से बढ़कर, आंचल है तेरा मेरा आशियाँ। गांव वालों ने बताया कि बहुत धूम मचाई। तुम दोनों एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर यहाँ पर खड़ी हो तो वो सिर्फ हमारी वजह से। ये सारी प्रॉपर्टी सुधीर के बुआ की नहीं है। बेटा विनोद बैठो। तुम हमें पागल बनाने वाला तुम्हारा बेटा बहुत होशियार है। इन दोनों बूढ़ियों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। बेटा यहाँ पर कोई ऐसा नहीं सोचता और ना ही ऐसा कोई विचार। यही तो बात है, नहीं तो और क्या हो सकती है। ये विजय भैया ने खरीद कर रखा था कि यहाँ से कोई बुलावा आएगा, पर नहीं बुलाया। हम लोग तो जाने दो ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन वो खुद हमसे पंगा ले रहा है। समझा देना उसे। इस तरह से हमारे सामने ये कपड़े फेंककर अपनी शोहरत का घमंड हम लोगों को मत दिखाओ। ये सब करके आखिर तुम हमारे सामने साबित क्या करना चाहते हो? मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास बंगला, पैसा, खाना पीना सब कुछ है। यहाँ भले ही सब कुछ ना हो, उसके पास कितनी भी कमी हो, हमारा ख्याल वो अच्छे से रखता है। उसका दिया हुआ सूती कपड़ा तुम्हारे दिए रेशम के कपड़े से कीमती है। हमें कीमती चीजों की नहीं प्यार की जरूरत है। हमारी लाश को तुम्हारा दिया कफन भी नहीं चाहिए। अपना सामान अपनी गाड़ी में रखो और जाओ यहाँ से। दोबारा हम पर अपनी दया दिखाने के लिए यहाँ कभी मत आना। बेटा सुधीर, इसका सामान इसकी गाड़ी में रखो और इसे जाने को कहो। सुधीर, तुम्हारा ये घमंड मेरे पिता की जमीन के कारण है ना? याद रखना, नहीं तो याद दिला दूंगा, वो भी हमेशा के लिए। मेरे पिता बहुत अच्छे आदमी थे और तुम्हारे पिता उनके भाई। जानता हूँ ये जमीन उनकी थी, लेकिन रजिस्टर ऑफिस में जाकर उन्होंने जमीन मेरे पिता के नाम कर दी। आज तक हम उसी की सजा भुगत रहे हैं और कितनी सजा भुगतेंगे। सुनो, उपहार खुश करने के लिए दिए जाते हैं, दुखी करने के लिए नहीं मेरे भाई। अब जाओ। सुधीर, ये क्या कर रहे हो? उठो, मेरे भाई को तेरे समझ के क्या रखा है? हाँ, उठा कर ले जा अपना सामान। पैसे कहाँ का दिखा आया है? तो पीने के लिए पानी की बूंद भी नहीं दूंगी। और दिखा के तुझे, हाँ, यहाँ से चला जा। सबको देख लूँगा। अब यहाँ विजय भैया आएंगे और उनके आते ही तुम्हें यहाँ से निकलना पड़ेगा। जाओ। यहाँ से भेजे थे 10 लोग, एक दूसरे रास्ते पर भेज दिया। तुझे क्या लगा था गोपाल मुझसे गद्दारी करके बच जाएगा? मेरे साथ कभी खेलना मत। हाँ बोल। मेरे साथ खेलेगा तो मुझे भी खेलना आता है। हाँ, मैं अभी आता हूँ। जिंदा नहीं बचेगा। कृष्णा प्रभु,
मेरे बच्चों को सद्बुद्धि देना, उनके साथ सब मंगल हो, उनका सब भला हो प्रभु। वीनु, वहां क्या हुआ? अरे होना क्या है, वो है ना सुधीर, वो कर रहा है और ये लोग खड़े खड़े मुंह देख रहे हैं। साफ साफ बताइए मामा जी क्या हुआ। मेरे बताने से तुम्हारे समझ में आ जाएगा क्या? तुम लोगों को समझाने के चक्कर में ही मैंने अपना पैर गवा दिया। मेरी बात को समझो, पैर का बदला लेने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो मैं तुमसे बोलूंगा वो करोगे तो? बताइए मुझे, करूंगा। तो फिर सुनो, अपने पिता की जायदाद में सुधीर का जो हिस्सा है उसे मत देना। इतना ही नहीं, उन्हें उस घर से निकालना भी होगा। नहीं, मेरे प्यारे बच्चों का भला चाहने वाले प्यारे मामा का उपदेश, इसका साथ देने के लिए एक भाई, ये सब देखने के लिए घर के मर्द हैं। कोई जरूरत नहीं है, जब तक भगवान नीचे नहीं आते तब तक तुम्हारा लालच पूरा नहीं होगा। जिंदा माँ की इज्जत ना सही, कम से कम मरे हुए बाप की तो इज्जत करो तुम लोग। उन दोनों भाइयों ने अपनी मेहनत से ये जायदाद कमाई थी जिसे तुम सब अपने फायदे के लिए हड़पना चाहते हो। वो जायदाद तुम्हारे पिता के नाम पर रजिस्टर कर दी थी, बस इसी कारण से सुधीर के पिता हमेशा चुप रहे हैं। तुम्हारे पिता इसी सदमे में मर गए थे, ये बात तुम लोगों को समझ में क्यों नहीं आती? और तुम लोग यहाँ खुशियाँ मना रहे हो और उस बच्चे के हिस्से में बस करो। इसके आगे अगर कुछ कहा तो अच्छा नहीं होगा। उषा, इसे ले जाकर पूजा के कमरे में बंद कर दो, भगवानों के साथ रहने दो, यहाँ रही तो परेशान करती रहेगी। जी छोड़ो मुझे, चलिए। भगवान भी तुम्हारे इस पाप को कभी माफ नहीं करेंगे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। ये धरती तुम्हारा बोझ कभी नहीं सहेगी, तुम्हें इसका जवाब देना होगा। जाओ इसे, सुनिए, अंदर चलिए, छोड़ो, आइए। उफ, चलिए, अब चलो, उन्हें उस घर से बाहर निकालने का वक्त आ गया है, चलो। भैया मैं आपके कारण चुप था। जीजा जी, अभी इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, सोच समझ कर काम करना होगा। तुम्हारे साले की राजनीतिक जान पहचान है ना, उसका फायदा उठाओ। ठीक है, चलो। बेटा विनोद, बैठ चलो। अरे यहाँ पर क्या हो रहा है? कौन है बाहर? ये सब क्या है? मेरी बात ध्यान से सुन लो, एक भी पेड़ यहाँ बचना नहीं चाहिए, जाके सब के सब काट दो। हे भगवान, अभी के अभी दफा हो जाओ यहाँ से, देखा हम लोग क्या कर सकते हैं। बेटा तुम सब एक ही खून हो, ऐसा मत करो। काट दो, जल्दी करो, जल्दी, एक ये भी सारे पेड़ काट दो। मुंह बंद कर, चला। मेरे घर में आकर किससे पूछकर मेरे पेड़ काट रहे हो? हटो, ऐसा मत करो, जाओ यहाँ से। नहीं रुक जाओ, ये सब ठीक नहीं है, गुस्से में आकर तुम गलत कर रहे हो। नहीं भाई, तेरी बात मानो, ये हम जैसे गरीबों का जीवन है, हटो। मैंने तुम्हारा अमीर गरीब का भाषण नहीं सुनना है, हमारे बाप की जायदाद पर हमारा हक है, इतने दिनों तक तुमने इस सब का फायदा उठाया, आज के बाद हम देख लेंगे, जाओ। अरे कोई ना, कोई ना, क्या हुआ, ऐसे झगड़ा क्यों कर रहे हो? मैं नहीं कर रहा हूँ सर, ये हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, ये सब कुछ हमारा बर्बाद करना चाहते हैं। खून पसीने से ये पेड़ पौधे लगाए थे और इन्होंने सब कुछ नष्ट कर दिया। मुझे इससे मतलब नहीं है कि ये सब किसका है, किसने काटा, किसने नष्ट किया, इसका फैसला बाद में होगा, चलो गाड़ी में बैठो। सर सर, मेरी बात सुनिए सर, सर सर, चलो।
कुछ नहीं क्या कर रहा है? सुनती रुक जाए, सुनती रुक जाए, मत ले जाओ, मत ले जाओ, मत ले जाओ, नहीं, 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 ये हमारे पिताजी की जायदाद है, इसमें किसी का भी कोई हिस्सा नहीं है। पुराने रिश्तों का लिहाज करके और अपनी माँ की बात मानकर इतने सालों से हम चुपचाप यहाँ पर बैठे थे, बस अब बहुत हो गया। जीजा, तो मैं जान से मार दूंगा। शांत हो जाओ, मुझे सुनिए, मेरी बात मानिए। यहाँ बैठिए, बैठिए, बैठो। हमारे पास सारे सबूत और उसके आधार है, केस तो होना ही चाहिए, यही हमारा आखिरी फैसला है। क्या है? हम सुधीर की जमानत लेने के लिए आए हैं। ओहो, तो आप लोगों के दम पे ही ये गुंडागर्दी कर रहा है ना? सर, आप यहाँ के नहीं हैं और आपको इन दोनों परिवारों के बारे में पता नहीं है, इसीलिए ऐसा हुआ, या फिर आपको किसी ने गलत जानकारी दी? ए नौटंकी, ये पुलिस स्टेशन है, रंगमंच नहीं है जहाँ तुम अपना नाटक करो। दूसरों के सामने किसी दूसरे का रूप बनाकर अभिनय करना और उन्हें विश्वास दिलाना कि ये अभिनय है, तो इस पुलिस स्टेशन को तुमने रंगमंच बनाया है और जायदाद को हड़पने के लिए नाटक कर रहे हो तुम। चुप रहो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम दोनों यहाँ पर आकर नाटक करोगे, हम लोग यहाँ चुपचाप खड़े रहेंगे? आप पुलिस स्टेशन में ये सब नहीं कर सकते, रुक जाइए। रुक जाओ, अभी तो मैं शुरू हुआ हूँ, छूटूंगा नहीं से। चलो, कह रहे तू यहाँ क्या कर रहा है? सूद खोर कहीं के? मैंने फैसला कर लिया, अब तू उस घर में नहीं रह सकता, शराफत से मान जा और बोरिया बिस्तर लेके निकल जा। यहाँ से चला जाऊँ तो फिर मेरा असल और सूद? पैसे तो तब लेगा जब तू जिंदा रहेगा, जान ले लूंगा मैं तेरी, चल निकल। पूरी जिंदगी दिल में ये बात रहेगी। यहाँ ये कैसा अन्याय हो रहा है? मेरे रहते मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई है, लेकिन मैं किसी और की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं नहीं, अच्छा काम करूंगा। अब तुम्हारे पति की सारी संपत्ति हमारी हुई, इसलिए पराजय के कारण उनकी पत्नी पर भी हमारा हक है। हारी हुई पत्नी पर भी। पकड़ो साड़ी, पकड़ो, छोड़िए मुझे, पकड़ो साड़ी, चल, मुझे जाना। चाहे मुझे जेल जाना पड़े कोई बात नहीं, पर मैं औरतों पर अत्याचार नहीं होने दूंगा। छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो तुम? ये रिहर्सल चल रही है, समझे? हे भगवान, क्या कहा, यहाँ रिहर्सल चल रही है? मैंने सोचा तुम सब मिलकर यहाँ कोई गलत काम कर रहे हो, इस औरत पर अत्याचार। अरे कहीं भर जाता तो। ओहो, मुझे नहीं पता था ये कलाकार है, मेरे से जो भी हुआ उसे भी रिहर्सल समझ के माफ कर देना मेरे भाई। अगर रिहर्सल में ये हाल है तो असल में क्या होगा? मुझे नहीं करना है ये काम, मैं चला। अरे कलाकार, तुमने उसे परेशान किया और वो चला गया यहाँ से, अब दूसरा कहाँ से लाऊं? बड़ी मुश्किल से इसे नाटक करने के लिए राजी किया था मैंने, ऐसे समय में तुमने क्या बेवकूफी कर दी यार। अरे मेरी बात तो सुनो। हाँ बोलो। हाँ सुनो, मैं ये बताने आया हूँ कि मुझे शमशान पहुँचाने का पूरा इंतजाम हो गया है। वैसे सुधीर कहाँ है इस वक्त? मैंने उसे किसी काम से भेजा है, पास के गांव में मेरा जो घर है उस गांव में एक नया किरायेदार आ रहा है, उसे वहीं पर कुछ काम से भेजा। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि तुमने उसे किस काम से भेजा है, मुझे भी उससे बहुत काम है। तुमने उसके भरोसे पर अपने नाटक बुक किए हैं, जब वो मुझसे पैसे कर्ज ले रहा था तब तुमने ही सिफारिश की थी और दस्तखत भी किए थे, अब दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। मैं इस हिसाब को रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, सब जगह छपवा कर वसूल कर लूंगा, ये बात याद रखना, भगवान की कसम खा रहा हूँ। अगर मैं पैसे देने जानता हूँ तो वसूल करने भी जानता हूँ, मैं उस फ्रॉड से पैसे वसूल करके रहूंगा। और एक बात सुन लो, आज मैंने गलती से पिटाई कर दी, अगली बार सच में पिटूंगा, पांचाली नहीं सबको रुला दूंगा। मैं पागल हो जाऊंगा। हो जाऊंगा का क्या मतलब है? क्या कहा? इन लोगों से बचाओ भगवान। अरे रे 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 रे, इतना छोटा सा काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। ये क्या भैया, ये काम तो कल ही पूरा हो जाना चाहिए था। आज हो जाएगा मालिक। हो भी जाना चाहिए, नहीं तो मालिक को गुस्सा आएगा। मालिक ये कौन है? कम से कम हम लोगों के लिए एक काम तो है, लेकिन इसके लिए तो कोई काम भी नहीं है भैया। कुछ बेवकूफों को ऐसा ही लगता है। हाँ हाँ,
ये हमारे श्रीधर मालिक के नाटक के किरदार हैं। शायद तुम्हें नहीं पता कि कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं। हे भाई, ये चश्मा किसका है? किसी और का है? अरे दे दे दे, किसी और का नहीं बल्कि मेरा अपना है। टाइम पास नहीं करो, अपना काम करो। अरे भाई, नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है, चुपचाप काम करो। भैया, गुप्ता जी का फोन आया है। छी, उन्हें कोई दूसरा काम नहीं? हाँ, हेलो। मुझे तो बहुत सारे काम है, इसीलिए मैं कुछ कामों के लिए हमेशा तुम्हें ही भेजता रहता हूँ। तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है करने में? किसने कहा भैया? तुमने कहा और मैंने सुना। कुछ बातों को सुनकर अनसुना कर देना चाहिए, उसे ही प्यार का बंधन कहते हैं भैया। प्यार के बंधन से ही तुम्हें कुछ काम करने के लिए फोन किया था मैंने। अरे बताइए ना भैया, मैं हूँ ना। मैं रुकू या जाऊँ? क्या हो रहा है वहाँ? वहाँ नहीं भैया, यहाँ यहाँ। हाँ देखो, वहाँ आने वाली फैमिली 11 बजे की फ्लाइट से आ रही है। गाड़ी ले जाकर उन्हें पिक करना है। वो तुम्हें जानते नहीं और ना ही तुमने आज तक उन्हें देखा है, इसलिए एम उमापति नाम की तख्ती लिखकर ले जाना अपने साथ। सिर्फ ले मत जाना, हाथ में लेकर खड़े भी रहना। भैया, किसी और को भेजे ऐसा नहीं हो सकता है? हो सकता है। सही कहा आपने। क्या है भैया कि ये मेरी हैसियत का काम नहीं है ना? फिर तो एक काम करो, तुम अपनी हैसियत का ही काम करो। ओके, मैं एक काम करता हूँ कि इस हैसियत का काम करने वाला आदमी मैं ढूंढ लेता हूँ, ठीक है? अरे भगवान, ऐसी बात है तो मैं हूँ ना भैया। मतलब? मतलब आपकी हैसियत का बस एक ही आदमी है और वो मैं हूँ, तो मैं जाऊँगा ना भैया। अब आए रास्ते पर, शराफत से जाओ और उनको लेकर आओ। ओके। कुछ लोगों को कुत्तों का जीवन जीना पड़ता है, लेकिन कुत्तों की भी तकदीर होती है। गली का कुत्ता भी होता है, अमेरिका के प्रेसिडेंट का भी कुत्ता होता है, लेकिन मेरी जिंदगी तो गली के कुत्तों की तरह हो गई है। नहीं तो यही होगा। ये ले। अरे सुधीर, यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे अंकल जी आ रहे हैं, उमापति जी। जानते हो, वो दिल्ली में बहुत बड़े अधिकारी हैं। कितनी भी बड़ी पोजीशन हो, मामा भांजे एक दूसरे को तो पहचान ही लेंगे, तो फिर इसकी क्या जरूरत है? क्या है भाई कि दिल्ली में उनकी मौत हो गई है, वहाँ से उनकी बॉडी लेकर आ रहे हैं। ऐसे में पेटी में झांक कर तो नहीं देख सकता ना, इसीलिए। कैसी मुसीबत है, क्या क्या करना पड़ रहा है। जरा हटना मेरे भाई। अरे हटो हटो मेरे भाई। अरे मेरे अंकल दिल्ली से आ रहे हैं। उमापति। एम उमापति, हमें ही लेने के लिए आए हैं। ए हेलो। हाँ, कहाँ है बेटी? आओ। देखो, हमें लेने के लिए आदमी आ गया। तुम गुप्ता जी के ड्राइवर हो, ठीक? अबे गुप्ता जी नहीं, श्रीधर गुप्ता जी। उन्होंने ही भेजा है, आइए। अरे सुधीर, यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे क्या मुसीबत है, यहाँ कितने लोग खड़े हैं, ये आदमी मेरे ही पीछे क्यों पड़ा है? मेरी माँ की बहन के पति की बहन का पति है, इसीलिए चुप हूँ। नहीं तो वो क्या है कि गाड़ी थोड़ी दूर पर है, तो हम सब मिलकर उठाएंगे तो बेहतर होगा। हाँ, सिर्फ 4 बैग तो है, तुम्हें उठा के रख दो। अपने शहर में तो ड्राइवर सब काम करते हैं, है ना बेटी? यहाँ ऐसा ही होता है, यहाँ कोई काम नहीं करता, लेकिन बाहर जाने के बाद दूसरों के झूठे बर्तन भी। अरे बाप रे। सुनिए, क्या है कि सामान बहुत भारी है। वैसे एक छोटी सी बात कहनी थी, यहाँ के लोग बहुत ईमानदार हैं, उनके अंदर स्वाभिमान कूट कूट कर भरा हुआ है और वो स्वाभिमान के साथ जीना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। अरे ऐसा मत कहो, हम तुम्हारी तरह ही हैं। पहले तो थे, लेकिन आगे का पता नहीं, क्योंकि बीच में गैप आ गया ना। अच्छी बात है, क्या बात कही है तुमने। तुम कहाँ से हो? मैं तो बस यही का हूँ। मैं यहाँ पास के गाँव का ही रहने वाला हूँ और वहाँ के ज्यादातर परिवारों के बारे में मैं जानता हूँ। तुम कहाँ से हो? बताने से आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि बताने लायक बड़ा परिवार भी नहीं है हमारा। वैसे भी हम किसी और गांव से आकर यहाँ बस गए थे। क्या बात है भैया, दुकान बंद हो गई क्या? बात क्या है?
दुकान में पैसे नहीं दिए हैं। वो एक छोटा दुकान है, नहीं दे सका। सामान उधार देने के लिए मना किया। उसने तो साफ साफ कह दिया, ऊपर से हमारे हालात के बारे में वो जानता ही है। ऐसी हालत में हम उससे कुछ नहीं कह सकते और कोई दुकानदार हमें उधार भी नहीं देगा। नहीं दिया तो ना सही, तो दुखी मत हो माँ। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो सुधीर को पता नहीं चलना चाहिए। इन सेवरों को ले जाकर उन्हें देने के लिए कहो और सामान ले आओ। ये लो। अगर घर की बेटी के जेवर घर से बाहर जाएं तो बहुत शर्म की बात होती है। ब्याज के पैसे मैं दे दूंगा, मेरे पास रहे इससे अच्छा है कि तुम पहन लो। लाओ जरा गहने मुझे दो। मानता हूं कि ब्याज पे पैसे देने वाला व्यापारी हूं, पर आंसू देखकर मैं भी पिघल जाता हूं। आज से पहले ऐसा कोई काम नहीं किया, खुशी है कि आज कर रहा हूं। ये लो रख लो। मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूं, तुम्हारी चीजें तुम्हारे पास होनी चाहिए। लो रख लो। मैं शांता, सुधीर नहीं है, मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। ड्राइवर सुधीर की बहन है? अरे रे, मेरा भाई ड्राइवर नहीं है। पर उसे ड्राइविंग अच्छी आती है। ओहो, वो तो अच्छी तरह आती है, लेकिन वो ड्राइविंग का काम नहीं करता। यहाँ कैसे आना हुआ बताइए ना। नहीं, यहाँ काम करने के लिए किसी की जरूरत है ऐसा पता चला है। काम ढूंढने आई हैं? सही समझा, बचपन में ही माँ ने घर के सारे काम और घर को किस तरह चलाया जाता है ये सब सिखा दिया था। मैं सबसे बड़ी हूँ। अच्छा, आप रोज यहाँ आएंगी या फिर यहीं रहेंगी? वो शादीशुदा हैं आप? हाँ, शादी तो हो गई थी लेकिन बस 4 दिन की ही थी। मुझ में एक छोटी सी समस्या है, लेकिन मुझे हमेशा ये नहीं होता। जब मन ठीक नहीं होता तो सर में दर्द होता है, गुस्सा आ जाता है और फिर थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाती हूँ। शादी के 3रे दिन बाद ही ऐसा हुआ था, डर के कारण। वो लोग मुझे मेरे घर पर छोड़ कर गए, फिर वापस लेने के लिए नहीं आए। ये कौन है? इन्हें काम चाहिए, वही पूछने आई हैं। ऐसे किसी अनजान औरत को काम पे रख सकते हैं क्या? अगर कुछ चोरी करके चली गई तो हम क्या करेंगे? ये सुधीर की बहन है। अच्छा, अगर नौकरानी चाहिए तो तुम्हें बता दूंगी। दीदी सोचिएगा जरूर, मैं चोरी नहीं करूंगी, ऐसी औरत नहीं हूँ मैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है, मेरे घर पर इसके बारे में किसी को कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन मैं अपने भाई की मदद करना चाहती हूँ। सोचकर बता देना, मैं चलती हूँ। एक बार मुझसे कहा तो होता है कि आप काम ढूंढने जा रही हैं, आप नौकरी करना चाहती हैं। ये बात मुझसे छुपाकर आपने ठीक नहीं किया। पता चला कि वो लोग अच्छे लोग हैं, वो लड़की भी डॉक्टर है। अरे माँ, तुम समझते क्यों नहीं, वो चाहे डॉक्टर हो या कलेक्टर हो, लेकिन मेरी बहन वहाँ किसी के जूठे बर्तन साफ नहीं करेगी। माँ बिल्कुल नहीं करेगी, नहीं करेगी माँ।
नहीं तो नहीं बेटा, बात खत्म हो गई। सुधीर बेटा, शांता की बीमारी के कारण इसे दवाई की जरूरत होती है, इसीलिए इसने सोचा कि दवाइयों के खर्च में ये तुम्हारी मदद कर दे, बस इतना ही। आप लोग घर में रहती हैं, मुझे बाहर जाना पड़ता है, आखिर ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूँ? और वैसे भी घर और इतना हमारे बारे में हमें ही सोचना पड़ेगा, और इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। हाँ सुधीर, क्या बात है, इतने शांत क्यों बैठे हो? हमेशा हंसने वाला और दूसरों को हंसाने वाला सुधीर ही हमें पसंद है, उदास रहने वाला नहीं। आज गुप्ता जी के यहाँ जो नए किरायेदार आए हैं, उनकी वजह से तुम्हें कोई परेशानी है क्या? हाँ, है भी और नहीं भी है, वैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक बहुत ही बड़े पद से रिटायर हुए हैं उमापति जी, बेचारे पत्नी की हर बात मानते हैं, वैसे बहुत घमंडी हैं वो। बेटी डॉक्टर है सरस्वती, और जानती हो वो थोड़े गर्म मिजाज की है, बात बात पर उसे गुस्सा आता है। और मिस्टर कुप्ता जी नहीं है क्या? कुप्ता जी नहीं, गुप्ता जी, श्रीधर गुप्ता जी। हाँ, ये देखिए आ भी गए। आइए आइए, मेरे कलाकारों से भेंट करके जाइए। ओके। सुनिए जी, हम यहाँ कलाकारों से भेंट करने नहीं आए हैं। ओ, मैं आता हूँ। अब यहाँ तक आ गए हैं तो देख कर ही जाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। आइए। सर, ये मेरे नए नाटक पांचाली दोबारा रोती है की मुख्य किरदार है, बहुत अच्छी अभिनेत्री है पवित्रा पद्मनाभन, बहुत बड़े कलाकार की बेटी है ये। हेलो, डॉक्टर सरस्वती है ना? आपको कैसे पता? अरे, इतनी देर से आपके बारे में ही तो बात कर रहे थे सुधीर जी, जैसे कि ये आपके सेक्रेटरी बन गए हो। मिस्टर गुप्ता, आप हॉस्पिटल बनाने के लिए जगह दिखाने वाले थे, हम वही देखने आए हैं। इसमें क्या है, देखकर आ जाते हैं। सुधीर, गाड़ी निकालो। अब इधर आइए। अगर काम हो गया तो आपको लाखों का कमीशन मिलेगा, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? इन सब के सामने मुझे सिर्फ एक ड्राइवर मत बनाना। सब्र का फल मीठा होता है बच्चे। मतलब? तो सबके सामने कहूं कि ड्राइवर गाड़ी निकालो, यही चाहते हो क्या? गुप्ता जी, मेरा सब्र अब जवाब दे रहा है, आपको कहना पड़ेगा सुधीर सर गाड़ी निकालिए, नहीं तो फिर। आइए। इसे लॉज के लिए बनवाया गया था, अगर हम लोग इसमें छोटे मोटे बदलाव करेंगे ना तो एक बेहतरीन अस्पताल बन जाएगा। काम हो गया तो गुप्ता जी और तुम्हारा अच्छा फायदा होगा, है ना? तुम्हारा उत्साह देखकर समझ गई थी। हाँ, वो तो गुप्ता जी की बात है, जहाँ तक मेरी बात है, ये हमारा हॉस्पिटल है, आसपास के सभी गाँव में ये सबसे अच्छा हॉस्पिटल है, मैं लोगों के मुँह से बस इतना ही सुनना चाहता हूँ। सच में? हाँ, बिल्कुल सच, माँ की कसम। अगर ये हॉस्पिटल अच्छा होगा तो मैं अपनी बहन शांता का इलाज यहीं करवाऊंगा, जब वो ठीक हो जाएगी तो मैं उसकी शादी करवा दूंगा, अभी उसकी उम्र क्या है, बस इतना ही। फिक्र मत करो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आजकल तो ये बड़ी समस्या नहीं है। ये अमीरों के लिए छोटी समस्या है, लेकिन हम जैसे गरीबों के लिए छोटी सी बीमारी भी दुखों का पहाड़ बन जाती। डॉक्टर, है डॉक्टर, उसकी बातें और उसकी बुद्धि के बारे में सभी जानते हैं, अगर आप उससे ज्यादा देर तक बात करेंगे ना तो आपकी जगह ये डॉक्टर बन जाएगा। तो फिर पार्टी से बात पक्की कर लें। सुधीर, अगर तुम्हें ठीक लगा तो मैं कुछ नहीं कहूंगी। सुधीर, हा? किसी का नाम छूट नहीं जाना चाहिए, है? किसी को शिकायत ना हो, देख लेना, यह अस्पताल है ना, यहाँ सबको आना चाहिए। आप चिंता मत करो, मैंने पूरी लिस्ट बना ली है, इसमें छोटे बड़े जो रोगी हैं और जिनका रोगी बनकर आने के चांस है, उन सब के नाम इस लिस्ट में हैं। बस मरे लोगों के नाम लिस्ट में नहीं है। अच्छा, आपका नाम भी लिस्ट में लिख दूं क्या? वैसे भी आपको एक अटैक तो आ ही चुका है। अब मारूंगा एक। देखा डॉक्टर, अब किसी को भी यह शिकायत नहीं होगी कि उनका नाम छूट गया। आप देखिएगा, उद्घाटन वाले दिन पूरा शहर वहां पर होगा। ये सब जाने दीजिए, इन सबको बुलाने के लिए मुझे 3 दिन तक भागना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं होगा ना। सुधीर, इस घर के लिए भी दे दो, ऐसे ही जा रहे हो? जरूर। टू के सुधीर, सन ऑफ राघव, देवलोक हाउस, उन्नव गांव। अब वो कोई मुश्किल है तो नहीं चाहिए? बचपन में तो मैं उस घर में बहुत खेली हूँ, तो मैं खुद ही ढूंढकर वहाँ पहुँच जाऊँगी। अरे नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं। क्या है, मैं उस घर को मैं अच्छे से जानती हूँ, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मेरा जन्म वहीं हुआ था, 6 साल की उम्र तक वहीं रही, और उस घर में एक शैतान लड़का भी था, सुधीर नाम का, जिसे मैं मोटू कह के बुलाती थी।
इतनी कोशिश की फिर भी तुमने मुझे पहचान ही लिया। चोर कभी ना कभी तो पकड़ा ही जाएगा ना। तुम झूठ बोल रहे हो, इतने दिनों तक उसे पता ही नहीं था कि तुम कौन हो। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। वैसे याद रखने की उम्र से पहले ही वो यहाँ से चली गई थी, इसीलिए याद नहीं रहा होगा। और वैसे भी पवित्रा, मुझे भी एक धुंधली सी याद है कि मेरी आंखों में धूल डालकर एक छोटी सी बच्ची भाग रही है। हाँ, और वो बड़ी होकर डॉक्टर बन गई और मैं एक साधारण सा आदमी। मैंने सोचा उसे याद नहीं आया तो अच्छा है। जानती हो, बचपन में वो मुझे मोटू कहकर बुलाती थी, और आज एक बार फिर से जब उसने मुझे ये कहा तो हे भगवान, मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे रोना भी आ गया लेकिन मैं रो नहीं पाया। अच्छा मैं चलती हूँ, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, जब देखो तब यही बहाना करती हो, मेरी बात भी नहीं सुनती। अरे मैं तुमसे कुछ बात कर रहा हूँ ना। तुम्हें तो पुरानी दोस्त मिल गई, उसकी खुशी मना रहे हो। तुम एक काम करो, सपना देख रहे थे ना, मैं चली जाऊंगी तो जी भर के सपना देखना। जानती हो, ये बात तुम्हें बताने के बाद मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया है, अब मुझे कोई तकलीफ नहीं। एक काम करो, जाओ जाकर इतने सालों से जो बातें दिल में दबा रखी थी ना, वो सब उसे बता दो। अरे पवित्रा, वो इतना आसान नहीं है। वो तो तुम्हें करना ही होगा, मुझे पता है तुम कर लोगे। बचपन की बातें और उसकी यादों के बारे में सोचकर तुम्हारी खुशी को मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। उसने तुम्हारे दिल में अपनी जगह बना ली है, अब तुम्हारे दिल में किसी के लिए भी जगह नहीं है। कोई कोशिश करे तो भी जगह नहीं बना पाएगी। क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? अरे ना कोई खुरापात ना कोई शैतानी, सच में तुम्हें खुश देखकर मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। अच्छा मुझे जाना होगा, तुम्हें तो पता ही है कि अस्पताल के पूरे काम की जिम्मेदारी मेरी है। हम लोग गांव गांव करते रहते हैं लेकिन गांव हमें कभी नहीं बुलाता। सही कहा। तब चार पैसे कमाने के लिए बाहर चला गया, अब आराम से जिंदगी बसर कर रहा हूँ। ये भी पागल है, इसने जब कहा कोई डॉक्टर आए हैं और एक अस्पताल खोलने वाले हैं, तब किसे पता था कि आप आए हो। और उससे भी अच्छी बात ये है कि आपकी बेटी सरस्वती भी डॉक्टर है। जब मुझे अटैक आया तो मुझे लगा कि मुझे अब वापस अपने घर पर चल के रहना चाहिए। पहले तो ये यहाँ पर आना नहीं चाहती थी। अरे बचपन की कोई याद होती तब यहाँ पर आ सकती थी ना। पहले मुझे ऐसा लगा था, पर यहाँ आने के बाद पता चला कि यहाँ भी बहुत सी यादें हैं। पता है मोटू की आंखों में मैंने कितनी बार धूल डाली थी। और वो भी थोड़ी बहुत नहीं, मेरी आंखों में आज तक उसका दर्द है। यही तो साइकोलॉजी है, जो दर्द देता है वो हमेशा याद रहता है। सुधीर देखो तो कौन आया है। देखो दिल्ली से आई शहरी लड़की है। कहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हाँ नहीं तो ये यहाँ इस तरह नहीं आती। तुम भी कुछ भी बोलते रहते हो। शांता दीदी ने कहा दिवाली है तो दिए जलाने हैं, उनके कहने पर आई हूँ तुमसे मिलने नहीं। चलिए माँ जी। हेलो, अरे मैंने मजाक किया था। मेरे दिल का प्यार हो तुम, दिल में बजे वो सितार हो तुम। तुम मेरे दिल का करार, तू ही रे स्वर गंगा मेरे दिल में बहे, जो आई हो लेके तुम वो बाहर प्यार की। मेरे दिल
का प्यार हो तुम, दिल में बजे वो सितार हो तुम। तू मेरी चाहत का है वो चमन, मुझको दीवाना करे तेरा यौवन। तू मेरी चाहत का है वो चमन, मुझको दीवाना करे तेरा यौवन। आवाज तेरी हवाओं को दे सुर, चाहत की धुन गुनगुनाए हवा। सपने सभी मेरे पिरोए तूने प्यार के धागे से, ओ सनम हम तेरे हो गए नाता ना ये टूटे टूटे। ओ सनम मेरे दिल का प्यार हो तुम, दिल में बजे वो सितार हो तुम। प्यार ओ जानम, जीवन का बदला है, बदला है मौसम। तेरा मधुर प्यार ओ जानम, जीवन का बदला है, बदला है मौसम। दामन तेरा ना मैं छोड़ू कभी भी, हमको मोहब्बत का है वास्ता। सपने सभी मेरे पिरोए तूने प्यार के धागे से, ओ सनम हम तेरे हो गए नाता ना ये टूटे टूटे। ओ सनम मेरे दिल का प्यार हो तुम, दिल में बजे वो सितार हो तुम। सुधीर अब यहाँ यहाँ घर के अंदर अगर ऐसा करोगे तो चल जाएगा, लेकिन बाहर अगर ऐसे हंसते हुए कोई देख लेगा तो लोग पागल कहेंगे तुम्हें। क्या हुआ? अरे लोगों का इलाज करने वाली डॉक्टर है, इसलिए थोड़ा सा सोच लो, तुम्हारा भी इलाज कर देगी। अरे नहीं, मैं तो कुछ और बात याद कर रहा था। कुछ बात याद कर रहे थे या एक ही बात? मेरे भैया मैं तुमसे एक साल बड़ी हूँ। जिसके बारे में सोच रहे थे वो यहीं आ रही है। इसे जरा पहनकर दिखाओ, हमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से मिलने जाना है, तो जरा मोटो से सुधीर बन जाओ। अब ठीक है। बेटी पहले तो उसने अच्छी बॉडी बना रखी थी, उसके बाद काम में फंस गया, मोटा हो गया। अगर मैं अपनी बॉडी और कपड़ों पर ध्यान देता ना, तो यहाँ पर खाने के लाले पड़ जाते। इसे जो मिलना था उसे मिल गया, अब चलो यहाँ से। आप उनके बीच में क्यों खड़ी थी? उन दोनों को कहीं बाहर जाना है ना। बहुत स्टाइलिश लग रहे हो। कहीं स्टाइल थोड़ा ज्यादा तो नहीं हो गया? वैसे अगर सच कहूँ ना तो इस साड़ी में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। झूठ मत बोलो। अच्छा जल्दी करो, 3 बजे कलेक्टर से मिलने का अपॉइंटमेंट। अरे इन कपड़ों में मैं अनकंफर्ट महसूस कर रहा हूँ, मैं अपने कपड़े पहन लेता हूँ।
जब साथ जा रहे हो तो मैचिंग भी होना चाहिए ना भैया। अब... मुझे ये एक अच्छा मजाक लग रहा है। इतने दिनों से मेरे नाम से जो नाटक चल रहा था, अब उसे अवार्ड मिलने वाला है तो तुम उसे अपना कहना चाहते हो। अच्छा मजाक है, एक बेहतरीन मजाक। मेरे लिए सब मजाक नहीं है, और मेरे इसी नाटक से आप एक दिन बड़े आदमी बन जाओगे, और एक दिन देखना वो समय बहुत जल्द आने वाला है। मेरे लिखे हुए नाटक को अवार्ड मिलेगा, फिर सामने से आप दांत दिखाकर हंस रहे होंगे। हंसूंगा भाई, जरूर हंसूंगा। पैसे कमाने के मेरे पास 1000 रास्ते हैं। ट्यूटोरियल्स, रियल एस्टेट, चाहूँ तो ब्लड बैंक भी शुरू कर सकता हूँ। यहाँ तक कि मैं चाह लूँ तो बड़ी बड़ी पत्रिकाओं में मेरी तस्वीर भी छपेगी। घर पर आकर लोग मेरा सम्मान करेंगे कि यही है श्रीधर, और मुझे किसी की भी कोई जरूरत नहीं है, और ना ही मुझे तुम्हारी जरूरत है। ये सब मैं अकेला ही कर सकता हूँ। चुपचाप गाड़ी में बैठो, नाटक करने के लिए दूसरे शहर जाना है, देर मत करो। कितना हुआ? पवित्रा को रास्ता पता नहीं था क्या? अपने पिताजी को क्यों तकलीफ दी? आप लोग स्टेट कंपटीशन के लिए जा रहे हैं, इसीलिए शुभकामना देने आया। अच्छा, ऐसी बात है। अच्छा हुआ समय पर आ गई, बहुत दूर जाना है अभी। वहाँ किसे ढूंढ रहे हो? जाओ गाड़ी में बैठो। हम नाटक करने जा रहे हैं, लेकिन वो कहीं दिख नहीं रहा है, कहाँ रह गए? कौन? सुधीर। अच्छा अच्छा, वो अब हमारे हाथ से निकल चुका है गुरुजी। उसे बड़े लोग मिल गए हैं ना, एक ऐसा पिता जिसके पास पहले से ही पैसों की कोई कमी नहीं थी, और ऊपर से उसकी डॉक्टर बेटी जो 2-4 दवाइयां लिखकर ही हजारों रुपए ले लेती है। अब ऐसे पैसे वालों के सामने इस गुप्ता की भला क्या बिसात है। इतना ही नहीं, बचपन के दोस्त भी हैं, एक दूसरे के साथ खेले भी हैं, अब तो उनके बेटे की तरह है वो। उसकी बात मत कीजिए, उसकी किस्मत तो बदल चुकी है। उनका रिश्ता तो अब दोस्ती से बहुत आगे निकलकर प्यार के बंधन की तरफ जा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, उसने ही कहा था ये। अब इस बारे में सोचकर कोई फायदा नहीं है। चलो सभी गाड़ी में बैठो, चलो। नाटक है, अभिनय है, बस जीवन को ऐसे ही देखना बेटी। चलो। मैं अंदर नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आओगे? कलेक्टर से कोई दुश्मनी है क्या? तुम्हारी समझ में ये बातें नहीं आएंगी। देखो, मेरा अंदर जाना ठीक नहीं होगा। तो ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यहाँ आकर भाव खा रहे हो, अंदर चलते तो अच्छा होता ना। Cheers. Many more happy returns of the day. Thank you. तुम दोनों को इतना अनकंफर्टेबल होने की जरूरत हाँ, नहीं है। तुम दोनों बचपन में साथ खेला करते थे। चलो हम उधर हाँ, चलो, चलो। हॉस्पिटल का काम कैसा चल रहा है? हाँ, वो सब ठीक चल रहा है। अच्छा, मैं चलती हूँ। हेलो सरस्वती, इनसे मिलो, ये है लिली जी और ये है इनके हस्बैंड। हाय। हेलो। हेलो। वैसे आप क्या करते हैं? हमारा एक बिजनेस है। इनकी अकलमंदी के कारण जॉन सर का काम चल रहा है। ठीक कहा। थैंक यू विनू, हम बाद में मिलते हैं। धन दौलत नाम शोहरत सब कुछ है हमारे पास, सच कहूँ तो इस शहर में हमारे सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। अब तो उमापति जी भी आ गए हैं। देखो, मेरा तो यही मानना है, शादी के लिए पहले भी बहुत रिश्ते आए थे लेकिन मैंने सब मना कर दिया। अच्छी बात है, बेटी की शादी के बारे में अब सोचेंगे, अभी तो आए हैं। देखिए, हम सब ने एक बात सोची है, सीधे सीधे कहूँ तो आपकी बेटी के लिए हमारा विनोद कैसा रहेगा? बुरा तो नहीं माना? अरे ये आप क्या कह रहे हैं, इसमें बुरा मानने वाली बात क्या है, सही है। बच्चों की राय जान लेते हैं, अगर उनके दिल मिल गए तो शादी कर देंगे। अरे वाह। तुम्हें ये साड़ी अच्छी लगी थी ना, इसीलिए आज मैंने ये पहनी।
कोई खास बात है क्या? बताते हुए तो मुझे शर्म आ रही है, पर तुम्हें सुनने में अच्छा लगेगा। तो बताओ ना, क्या बात है? वो क्या है ना कि आज लड़के वाले मुझे देखने आ रहे हैं। कहने को तो एक रस्म है, पर पूरी तो करनी पड़ेगी ना। विनोद नाम है, वो जानते हैं कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, पर मैं करती क्या हूँ, मुझे पसंद क्या है और वो मुझे पसंद है या नहीं, ये सब तो वो मुझसे पूछेंगे ही, है ना? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम्हें तो विनोद पसंद है ना? तो फिर उसे बता देना कि तुम उसे पसंद करती हो। नहीं बताओगी तो ये बात उसे पता कैसे चलेगी? अपने दिल की बात हमेशा बता देनी चाहिए, नहीं बताने पर नुकसान हमारा ही होता है और फिर उस नुकसान की भरपाई हम कभी नहीं कर सकते। सरस्वती को बताया या नहीं? पहले ही हम पर दुखों का इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है और ऊपर से अब ये दुख। पहले से ही मैं दुख सह रहा हूं तो एक और दुख से क्या फर्क पड़ेगा? सहने की आदत हो गई है। चिंता मत करो, मैं दुखी नहीं हूं। तुम जाकर सो जाओ। मंदिर के उत्सव के लिए अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। हमारे दुखों के बारे में भगवान को पता नहीं चलना चाहिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो बेटा तुमने अभी क्या सोचा है? वो जो ऊपर बैठा है ना, अब वही कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा। बड़े दिनों बाद, लगता है यहाँ के काम तुम भूल गए हो, है ना? अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हैं, मैं यहाँ के काम कैसे भूल सकता हूँ। लेकिन आप तो मेरे काम के बारे में जानते ही हैं, कितनी भी मेहनत करो कम है। बेकार के बहाने मत बनाओ, याद रखना कि ये नहीं तो कुछ भी नहीं। पंडित जी, कोई कमी नहीं आनी चाहिए, ये लीजिए। विजय ने हिदायत दी है कि मंदिर के किसी काम में तुम्हारी सहायता ना लूं, जाओ। इस साल के उत्सव का खर्च वो उठाएंगे, ये भी कहा है, और इसमें कुछ गलत भी तो नहीं है। और वैसे भी उसे पूरा हक है, तुम्हारे परिवार का वो भी तो हिस्सा है ना, करने दो खर्च। यह गलत है पंडित जी, पहले पिताजी करते थे, उसके बाद हम ही इस उत्सव को करते आ रहे हैं। सुनिए, जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए, ये लीजिए। जिद मत करो बेटा, जायदाद के मामले में जिद करोगी तो चलेगा, पर भगवान के मामले में जिद नहीं करना चाहिए। अरे ये बात आपने उनको क्यों नहीं समझाई? पंडित जी, उत्सव हमेशा की तरह ही होगा, मैं करूंगा। जो कहना है हमसे कहो, पंडित जी से कहने की जरूरत नहीं। तुमसे मुझे कुछ भी नहीं कहना, जो भी कहना उनसे कहना, देवी माँ से। देखो, झूठ मूठ की नेतागिरी करके, बड़े घर की बेटी से शादी करके और वहाँ की रोटी तोड़ने वाले से मुझे कोई बात नहीं करनी है। क्या कहा तूने? इंग्लिश मीडियम में हिंदी पढ़ने वाले तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आएगी। एक बात अच्छी तरह जान लो, मैं आग हूं, मुझसे मत खेलो, अगर खेलोगे तो तुम जलकर राख हो जाओगे। विनोद, ऐसा मत करो, विनोद ऐसा मत करो, मत करो। ऐसा नहीं करूं। Back!
अभी कुछ मत करो, रुक जाओ। इसका इस्तेमाल तब करना जब वो हमारे पैरों में पड़ा होगा। अच्छा, मैंने कहा हटो, छोड़ो से, हटो, छोड़ो मुझे। अभी तो तुझे छोड़ रहा हूँ, लेकिन तू बचेगा नहीं। लाचार गरीबों को तंग करना अमीरों के लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं यहाँ माता के मंदिर के सामने और गांव वालों के सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि सबकी जान ले लूंगा। अगर मैं जिंदा रहा तो माता की तलवार उठाऊंगा और इस उत्सव को मनाऊंगा। ले लो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ ले लो। सारे दुखों को सहकर मुझे जो कष्ट होते हैं वो मैं जिस माता को बताता हूँ उस माता का साथ मैं नहीं छोड़ूंगा। पैसों या हथियारों के बल पर लोगों को डराया जाता है, उन्हें नीचा दिखाया जाता है, लेकिन भगवान को नीचा नहीं दिखाया जा सकता। सुधीर के घर वाले और तुम्हारे घर वालों की भी जो परेशानी है उसे दूर क्यों नहीं कर लेते? हर प्रॉब्लम का हल है। इस प्रॉब्लम का कोई हल नहीं है। ऐसा क्यों? वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। मैं भी आता हूं। क्या विनो, तुम भी? अब तुम मेरा फोन भी नहीं उठाते। अच्छा, तुम जवाब नहीं देना चाहते हो तो कोई बात नहीं। जब से वो डॉक्टर तुम्हारी जिंदगी में आई है ऐसा लगता है उसने तुम्हें बांध दिया है। और सुनो, हस्बैंड काम से सिंगापुर गए हैं, ये 4-5 दिन बस हमारे हैं। पिछली बार की तरह कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, हम यही मिलेंगे मेरे घर पर। फ्री होते ही मुझे फोन करना, हम कुछ प्लान करेंगे। परेशान हो गई? नहीं, पर ठीक नहीं हुआ। क्या? म्यूजिक। तो फिर बंद क्यों किया? कुछ गाने बार बार सुनने का मन करता है और कुछ जैसे ही शुरू होते हैं अच्छे नहीं लगते। आजकल के जमाने में जिनकी कुंडलियां नहीं मिलती उनके भी मिलाने के तरीके हैं। आजकल के ज्योतिषियों पर विश्वास नहीं होता। अगर दोनों तैयार है तो इन सब की जरूरत क्या? हम लोग अगर ना भी चाहें तब भी ये शादी होकर ही रहेगी, ये जोशियों का कहना है। शादी की बात करने के लिए लड़के और लड़की की जरूरत नहीं है, हम बड़े हैं ना फैसला करने के लिए। फिर ये कोई ऐसी वैसी शादी भी नहीं है और हम लोगों के संबंध भी ऐसे नहीं है। क्यों उमापति जी? ठीक है, तो अब हम शादी के लिए कोई अच्छा सा मुहूर्त देखते हैं। डॉक्टर की सहूलियत के बारे में भी तो सोचना पड़ेगा। अगर मेरी सहूलियत के बारे में सोचेंगे तो शादी के लिए मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। मेरी माँ की समझ में आ जाए इसलिए साफ साफ कह रही हूँ, मैं मुझे ये रिश्ता पसंद नहीं है।
ये शादी मैं नहीं करूंगी। सरस्वती, क्या कहा तूने? क्या कहा? फिर से कह। नहीं, नहीं, क्या नहीं, कहा तूने? क्यों क्यों करूं? और अगर आप चाहती हैं तो उससे ये कहने के लिए कहो कि उसका किसी से कोई संबंध नहीं है, फिर कर लूंगी शादी। मुझसे भी अच्छी लड़कियों के रिश्ते विनोद के लिए आते हैं, जो इससे शादी करने के लिए तैयार है, तो फिर मैं ही क्यों? चुप रहो, हम लोग कुछ बोल नहीं रहे, इसका ये मतलब नहीं कुछ भी बोलो। उमापति, तेरी बेटी की परेशानी मुझे समझ में आ गई है, वो सुधी रही है, उसी के साथ तो ये रात दिन घूमती रहती है चरित्रहीन। सही कहा, मैं किसके साथ घूमती फिरती हूँ ये सब मेरा निजी मामला है, पर तुम्हारे भाई के साथ मैं जिंदगी नहीं बिता सकती। मेरी इतनी सी बात तुम्हारी समझ में आ गई होगी। बेहया, और भी कुछ बाकी है? मैं भी तो सुनूं उस लफंगे ने तुझे क्या क्या पट्टी पढ़ाई है। बाकी मत रखना, सब बता दे। हाँ बताना, क्या पट्टी पढ़ाई है उसने तुम्हें, बताना। ये सब आप क्या कह रही हैं? मैंने शादी के लिए मना किया, इसके लिए आप सुधीर को जिम्मेदार कैसे मान सकती हैं? हाँ मान सकती हूँ, उस लड़के ने ही तुम्हारा मन बदला है। एहसान फरामोश। ठीक है, तो आपको जैसा सोचना है वैसा सोचिए। इसका कारण सुधीर ही है। आपने उस परिवार को देखकर ही मेरी शादी तय की थी ना, तो सुधीर भी इसी परिवार का हिस्सा है। मेरी शादी उससे करवाएंगे तो मैं कर लूंगी। उसी से करवा दो इसकी शादी और अपनी नाक कटवा लो। अगर वो शादी करना नहीं चाहती। कुछ मत बोलना, वरना जानता है मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं, यहाँ कुछ मत करना, यहाँ से चलो। जो लड़का इससे शादी करना चाहता है उसका कुछ करना पड़ेगा। चलो। ए सुधीर, डरपोक कहीं के बाहर आ। कहाँ छुपा है सुधीर, निकल बाहर। कब तक छुपेगा बाहर आ। अबे डरपोक। ए सुधीर। हाँ, क्या बात है बेटे? मैं तुम्हारी मीठी मीठी बातें सुनने के लिए नहीं आया हूँ। वो कहाँ छुपा है, बाहर निकालो। हुआ क्या है? हुआ नहीं है, होगा। उस डॉक्टर के पेट से बच्चा पैदा होगा तुम्हारे बेटे का। वो दोनों मिलकर खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाने पर तुले हैं। बेटे, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, मेरे साथ इस तरह से बात मत करो। मेरी माँ से अपनी तुलना मत करो। बहुत दिनों से तुम लोग इस घर पर कब्जा करके बैठे हो, बहुत हो गया। अब मैं तुम्हारे ये घड़ियाली आंसू देखकर पिघलने वाला नहीं हूँ। तुम सबको अभी ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। चले जाएंगे, हम सब चले जाएंगे। सिर्फ हम माँ और बच्चे ही नहीं, हमारे पिताजी की दो बहनें भी जाएंगी। अब यहाँ रुकने के लिए नया नाटक लिखा है क्या तूने? मैं भी देखता हूँ। चल निकल। नहीं बेटा, मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं निकलेगा। एक बार कह दिया तो जाना ही पड़ेगा। झगड़ो मत। चल निकल। चल इस घर से। केस कोर्ट में है, जब तक फैसला नहीं आएगा हम नहीं जाएंगे। कौन सा केस, कौन सा कोर्ट, फैसला मैं करूंगा। देखो मैंने बहुत सहा है, लेकिन मुझे उकसाओ मत। ठीक से नहीं छोड़ूंगा तुझे। मैं जानवर का बच्चा हूँ तो तुम्हारे पिताजी क्या हैं? दोनों एक ही माँ के बच्चे हैं। विजय भाई, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता हूँ, आप यहाँ से चले जाइए। विजय भाई, मेरी बात मान लो और चुपचाप चले जाओ। जाओ यहाँ से। मुझ पर हाथ उठाया? बस बहुत हो गया विजय भाई। ना तुम जीतोगे ना मैं जीतूंगा, इसमें हम दोनों की हार होगी, हमारे पिताजी की भी हार होगी। किसी की भी हार हो मुझे परवाह नहीं। बहुत सह लिया मैंने, अब और नहीं सह सकता। आज तक मैं चुप रहा, लेकिन अब मैं चुप नहीं रह सकता। सुधीर, बस कर अभी। हाँ हाँ सुधीर, माँ हूँ। सिर्फ तेरी ही नहीं, उसकी भी माँ हूँ मैं। वो चाहे मुझे नहीं माने, अगर तुम भी इसकी तरह सोचते हो तो फिर ठीक है, खत्म कर दो इसे। अभी की अभी इसका फैसला हो जाए। मैं अपने बच्चों का खून नहीं देख सकती, मुझ में इतनी ताकत नहीं है। हे भगवान, जमीन के लिए मरने की जरूरत नहीं है। मरे हुए लोगों को
कभी जमीन की जरूरत नहीं पड़ी है। दफन होने के लिए बस 6 गज चाहिए। हम चले जाएंगे। क्या कर रही है? सब क्या हो गया? शांता दीदी, शांता दीदी, सुधीर, सब लोग यहीं हैं। अब वो सब सोचकर दिल को मत दुखाइए। दुखी होने के लिए क्या रह गया? जिस घर में जन्म लिया वो ही हमारा नहीं रहा, तो हमारा अब कौन है? भगवान है ना, उन्होंने ही शायद मुझे भी भेजा है। शांता दीदी बिल्कुल ठीक है, थोड़ी देर में घर जा सकती हैं। हमारे घर, ये मत सोचे कि आपका घर नहीं है। हमारा घर है ना, वहाँ आप सबके लिए रहने की जगह है। बिल्कुल नहीं। सुनो, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, जितनी मदद की वो काफी है। इन्हें डिस्चार्ज कर दो, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। उसके बाद हम जिए या मरे किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। सुधीर, तुम इससे इस तरह से बात क्यों कर रहे हो? कहने दीजिए माँ जी, मैंने तो फैसला कर लिया है। आप आएंगी ना? नहीं, हमें सड़क पर सोना पड़ेगा तो सोएंगे, लेकिन वहाँ नहीं जाएंगे। घर की औरतों को लेकर बीच सड़क पे जाके बैठ जाओगे तो घर का मान बढ़ जाएगा ना? ये सब मेरे अपने हैं सुधीर, ये सब मेरी माँ जैसी हैं। अंदर मेरी बड़ी बहन है, तुम्हारी बुआ मेरी नानी के समान है। जब ये सब मेरे अपने हैं तो इन्हें अपने ही घर ले जाऊंगी ना। बेटी ने अपने अहंकार में एक बड़े परिवार के लोगों को बेइज्जत करके अपने घर से निकाल दिया और हमें शर्मिंदा किया, और अब अपने साथ कुछ एहसान फरामोशों को ले आई है। दरअसल उसका कहना है कि तुम भी उसका साथ दोगे। चुप रहो। आपने जिस परिवार को अपने घर से निकाल दिया था, उसी परिवार के लोगों को अपने साथ लाई हूँ मैं। उनके पास पैसों की कमी हो सकती है, लेकिन आत्मसम्मान की कोई कमी नहीं है। कुछ दिनों में शायद आप भी इनसे कुछ सीख लेंगी। सब बहुत अच्छे हैं। सुनिए, शांता दीदी को कमरे में ले जाइए। बेटी, हम लोग यहाँ, ठीक है, ये पूरा घर आपका है, सीढ़ी पर भी बैठ सकती हैं, ठीक है? सुधीर नहीं आया। जिद में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मर्द है ना, कहीं भी रह लेगा। मर्द रोते अच्छे नहीं लगते। औरतों का काम है रोना धोना, उनका ही आभूषण है ये। औरत रोती है तो उन्हें सहारा देने के लिए आगे बढ़कर उन्हें दिल से हौसला देना चाहिए। मेरे घर की औरतों की आंखों में आंसू ना आ पाए, इसीलिए इस दिल में मैंने अपने आंसू छुपा कर रखे। लेकिन अब मैं हार गया, इंसानों ने धोखा दिया और भगवान ने साथ छोड़ दिया। भगवान किसी का साथ नहीं छोड़ता, लेकिन इंसान ही जब इंसान का दुश्मन बन जाए तब भगवान भी हार जाता है। घर वालों का इल्जाम था कि मैं पैसे से प्यार करता हूं और मुझे छोड़कर चले गए तो मुझे बहुत रोना आया था, लेकिन मैंने अपने आप को संभाला। इसलिए नहीं कि मैं नहीं चाहता था, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था। मर्दों को रोना नहीं चाहिए। हम किराए का घर देख लेंगे। सुधीर, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हे मेरे प्रभु, तुम्हारी कृपा होने के कारण दो लोगों को कम से कम क्रूज पर लटकने की जगह तो मिल गई, लेकिन इस सुधीर की मदद करने के कारण मुझे लटकने की भी जगह नहीं मिल रही है प्रभु। रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? तुम्हें ही फैसला करना है,
कि अब मैं अपना ये सामान कहाँ रखूं? हम सब विश्वासी अपने सारे दुख और भार प्रभु के सामने रख देते हैं, आप भी ऐसा कीजिए। मुझे ये नहीं पता था कि प्रभु भी होटल और लॉज चलाते हैं। मुझे ये बताइए कि मुझे क्या करना है? जो भी करना है आप ही को करना है। मुझे सिर छिपाने की जगह चाहिए, वो भी यहाँ। यहाँ? हाँ जी, यहाँ पर मैं यहीं रहूंगा। ये नहीं चलेगा। चलूंगा नहीं, सिर्फ लेटूंगा। मैं सामान रखता हूँ, आज से मैं यहीं रहूंगा। तो तुम्हारा सारा सामान रोड पर पड़ा रहेगा। अच्छा, तो अब गुरु और शिष्य मिलकर मुझे रोड पे रखने का इंतजाम कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं भी अपना इंतजाम जल्द से जल्द कर लूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। अब क्या होगा? अब देखना, ये सरस्वती डॉक्टर के घर जाकर ही रुकेगा। हे भगवान। कौन हो? शरणार्थी या लाभार्थी? कहा ना, शरणार्थी। तुम्हारा घर कहाँ है? जिसका घर नहीं होता उसे ही शरणार्थी कहते हैं। मेरी भी वही हालत है। बेडरूम कहाँ है? सुनो, तुम क्या कह रहे हो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। तो मेरी भी समस्या है कि मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप मेरे पिताजी को जानते हैं? मेरे पिताजी को उनकी मृत्यु के बाद उनकी जायदाद बेचकर उनका दूसरा बेटा पॉल अपने हिस्से को बेचकर 7 लाख रुपए लेकर अपने सभी भाई बहनों को नाराज करके एक फाइनेंस कंपनी खोलने के लिए यहाँ आया था। लेकिन मेरी यह हालत कैसे हो गई ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। ओ, लेकिन तुम ये सब मुझे यहाँ आकर क्यों बता रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, बताता हूँ, क्योंकि आप दिल के अच्छे आदमी हैं। मुझे एक अटैक आ चुका है, मेरा दिल बहुत कमजोर है। फिर भी मुझे पता है आपका दिल बहुत बड़ा है, मेरे लिए ये काफी अच्छा होगा। अच्छा। वैसे मैं अपना सामान कहाँ रखूं? अरे रख दो ना और बैठ भी जाओ। सिर्फ बैठना ही नहीं, मुझे शायद लेटना भी पड़ेगा। प्रभु क्रूज पर हैं और मैं यहाँ हूँ। दोनों ही अविवाहित हैं, अपना जीवन समर्पित कर दिया है। क्या कहा? अभी भी आपकी समझ में कुछ नहीं आया है ना? हाँ। 7 लाख असल और उसका ब्याज, ब्याज का ब्याज बढ़ते बढ़ते 70 लाख हो जाएंगे। मैं वापस गांव जाऊंगा, अपना घर बनाऊंगा, शादी करूंगा, बच्चे पैदा करूंगा, एक लड़का एक लड़की, लड़का कलेक्टर, लड़की डॉक्टर। अपनी बेटी की शादी किसी अच्छे घर में करवाऊंगा और बेटे की किसी करोड़पति से। उसके बाद मैं हंसी खुशी नाचता गाता तालियां बजाऊंगा, प्रभु की स्तुति करूंगा, पूरी दुनिया घूमूंगा, खूब खुश रहूंगा। पर उस चोर ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि वो बर्बाद हो जाए। कौन है वो? किसके बारे में बात कर रहे हो? किसके बारे में बोल रहा हूँ? यहाँ जो सुख चैन से रह रहा है ना, उस सुधीर के बारे में। उसी की वजह से ये हुआ है। ओ, अपना सुधीर? अब अपना नहीं, सिर्फ आपका। वो परिवार के साथ चैन से रहेगा और मैं बोरिया बिस्तर लेकर सड़क पर रहूंगा। कुछ नहीं, मैं यहीं रहूंगा। कौन है जी? आज ये कौन बोला? सुनो, सुधीर हमारा कोई नहीं है और ना ही हमने उसे कहीं छिपा के रखा है। समझ गए तुम? शांत हो जाओ। यहाँ पहले ही बहुत से भिखारी पड़े हुए हैं, घर को धर्मशाला बना दिया है, सब मेरी बेटी की वजह से। तुम अभी तक गए नहीं? यहीं हो, निकलो यहाँ से। मेरा घर है, धर्मशाला नहीं। निकल जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। सुनो, घर आए हुए मेहमान को तुम भी इनके साथ निकल जाओ, एक शब्द मत कहना। यहाँ वापस आकर हमने बहुत बड़ी गलती की है, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं क्या करूँगी पता नहीं। मेरे सामने अब दो ही रास्ते हैं, एक तो मैं खुद आत्महत्या कर लूं या फिर खून कर दूं। आत्महत्या करने से मैं मर जाऊंगा, इसलिए ये ठीक नहीं होगा, खून करना ही ठीक रहेगा। वो कोई भी हो सकता है, मरने वाला नहीं जानता कि वो मरने वाला है। बाकी लोग अगले दिन अखबार में पढ़ेंगे, टीवी चैनल, न्यूज में दिखाया जाएगा कि मैंने क्या किया है।
अपने लिए नहीं, दूसरों की जिंदगी के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। धन दौलत पढ़ाई हॉस्पिटल सब कुछ है तुम्हारे पास, तुम्हें समझाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे मन में क्या है ये बात तो तुम्हें समझनी चाहिए थी ना। मेरे आंख में धूल डालने वाली बात याद है, उस वक्त मेरी आंख में दर्द हुआ था, लेकिन आज तुमने मेरा दिल दुखाया है। पहले वो लोग लड़की देखने आए, फिर तुम दोनों एक साथ पूरे गांव में घूमे, ये सबने देखा, उसके बाद तुमने किस बात का बदला लेने के लिए मेरा नाम लिया। मैं सब कुछ इसलिए सहा कि वो जमीन और घर हमारे पास से ना जाए, और आज मुझे सब कुछ छोड़कर आना पड़ा सिर्फ तुम्हारे कारण। तुमने मुझे और मेरे परिवार को किस गलती की सजा देने के लिए ऐसा किया? किसी से बदला लेने के लिए और अपनी किसी जिद को पूरा करने के लिए घर के एक बड़े सदस्य के सामने तुमने ये झूठ बोला कि तुम्हें मैं पसंद हूं। मैं तुम्हें पसंद करता था, हजार बार मेरे मन ने तुम्हें पुकारा, लेकिन तुमने नहीं सुना और ना ही तुम समझ पाई। तुमसे प्यार का इजहार ना कर पाया, इसलिए मन को कोसता रहा, और तुम्हारी खुशी के लिए मैंने अपने प्यार को दिल में सदा के लिए छुपा लिया। मैं नहीं जानती थी और तुमने मुझे कुछ बताया भी नहीं। चुप हो जाओ, कुछ कहने की जरूरत नहीं, सारी बातें खत्म करने के लिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। मुझे और मेरे परिवार को अकेला छोड़ दो बस, तुम्हारे जैसे बड़े लोगों को खेलने और मजाक करने के लिए बड़े बड़े लोग हैं, मुझ जैसे गरीब को इसमें मत खींचो, मुझे और परेशान मत करो, मैं और नहीं सह सकता। आज के बाद मेरा नाम भी मत लेना, तुम मेरी कोई नहीं हो, कोई नहीं हो तुम मेरी। मेरी बात समझ गई ना? हमारे अपमान का जश्न मनाने के लिए निकले हो तुम दोनों? क्या समझती है खुद को, मुझे नहीं बता सकती? अरे खोल अपना मुंह जरा, मैं भी तो सुनूं। नीचे उतर और बोल। बोल ना, मैं भी तो सुनूं। बोल, उसे छोड़ो, बोल ना। विनोद छोड़ दो उसे। बोलते क्यों नहीं? बोल, तुम ठीक नहीं कर रहे हो, हाथ हटाओ। तो बात यहाँ तक आ गई कि इस पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा अधिकार है। विनोद उसे छोड़ो तुम और मुझसे बात करो। तुमसे बात करो? विनोद छोड़ो उसे। हमारे अंदर एक ही खून है और तुम मेरे भाई हो, इसीलिए आज तक मैं चुप रहा, लेकिन तुम ऐसा नहीं चाहते हो, जबकि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया। अब भी मेरी बात मान लो, इस खेल को यहीं पर खत्म कर दो, नहीं तो। बाहर निकालो उसे, मुझे पता है उसे अंदर छुपा कर रखा है, अब बाहर निकालो उसे। उसने मेरे भाई पर हाथ उठाया है ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। पता कहाँ है वो? छोड़ो इन्हें, हमने किसी को छिपा के नहीं रखा है, वो यहाँ नहीं है, ये उसका घर नहीं है। अगर मुझसे ।
बहुत बड़ा गुंडा है ना तू, तो मुझसे लड़के दिखा। मार, मारना मुझे, मार, मारना मुझे, मार, मार के दिखा, मार मुझे, नहीं मारेगा, मार मुझे, मार, मार के दिखा, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, मार, मार ना, मार के दिखा, नहीं। इसे हाथ लगाऊंगा तो गुस्सा आएगा। दिल्ली से पढ़कर आई हो तो क्या हम लोगों का मजाक उड़ाओगी? आज इस अनाथ के सामने तेरे हाथ पैर तोड़कर तुझे अपाहिज बना दूंगा और वो बेशर्मों की तरह देखता रहेगा। क्यों रे? जिस जुबान से तुझे भैया बुलाया करता था, आज तूने उससे क्यों रे बुलवा दिया? रुक जा बेटा, ऐसा मत करो। वो तेरा बड़ा भाई है, उस पर हाथ मत उठाना बेटा, ऐसा कभी मत करना। अरे अरे रुको, अरे ए, अरे क्या कर, सुनो मेरी बात सुनो, जो तुम पर वार नहीं कर रहा उसे मारना मर्दानगी नहीं है विजय। ये कहने वाला तू कौन होता है? जिसका कोई नहीं उसके लिए सवाल करने वाला हूँ मैं। अगर इसकी हरकतों के लिए मारना होता तो सबसे पहले इसे मारने वाला मैं होता, समझे? लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, कोई तो वजह होगी इसके पीछे। मारना इसे, लो मारो, इसे मारो, मुझे मारो, जिसे मारना चाहते हो मारो, तुम मन ना भरे तो जान से मार दो। तुम्हारे पास बाहुबल और पैसे की ताकत है ना, जिसे तुम गरीबों पे दिखाना चाहते हो ना, तुम अमीर इससे ज्यादा क्या सोच सकते हो भला? तेरी बातें सुनकर यहाँ से नहीं जा रहा हूँ मैं। तूने कहा था ना मार कर दिखाना, दिखाऊंगा, मार कर दिखाऊंगा। गाँव गाँव बोलकर वापस आए थे, लेकिन तब किसे पता था इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। रुको रुको, शांत हो जाओ, सुनो। तुम चुप रहो बेटी, तुम में से किसी को मैं यहाँ देखना नहीं चाहती हूँ। तुम चुप करो और अंदर जाओ, या तो तुम अंदर जाओ या इन भिखारियों के साथ तुम भी बाहर जाओ। जाओ। बहन। बहन किसे कह रहे हो? सब निकल जाओ मेरे घर से। धरती इस घर से खत्म नहीं हो जाती है, बहुत जगह है इस दुनिया में जहाँ हमें आसरा मिल जाएगा। इस दुनिया में सबके लिए जगह है। चलो, चिंता करने की जरूरत नहीं है, गरीबों का भगवान होता है, वो सबकी सुनता है। हम एक नए तरीके से अपनी जिंदगी की शुरुआत करेंगे, ठीक है? चलो। चौदह साल का वनवास और एक साल का अज्ञातवास, अगर अज्ञातवास में पकड़े गए तो फिर से वनवास, बस यही तुम्हारी विधि है। दुर्योधन और मैंने दुश्मनों के बारे में बहुत ही अच्छे से अध्ययन किया है। शत्रुओं को पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए, नहीं तो वो दोबारा शक्तिशाली होकर हम पर हमला कर सकते हैं और हमें पराभव का सामना करना पड़ेगा। हमें पहले कभी नहीं पता होता कि कल हमारा क्या होगा, ये सब भगवान तय करते हैं। मैं तो बस इतना ही सोचता था कि जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में सिर्फ मैं ही जानता हूं, इसीलिए जहां रोना था वहां भी हंसता रहा। लेकिन अब मैं किसे दोष दूं? अब तो यही लगता है कि ये सब कुछ मेरे नसीब में ही लिखा हुआ है। मुझे नहीं पता, मेरे मन में ना आज ना पहले कोई भी नहीं था। मेरे मन और जीवन में सुधीर के सिवा किसी के लिए कोई जगह नहीं है और नहीं होगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, रहूंगी हमेशा के लिए।
मैं जिसे प्यार करता था वो मुझे समझ नहीं पाई, और जो मुझसे प्यार करती है उसे मैं समझ नहीं पाया। मैं समझती हूँ, आज के बाद तुम समझो, मेरे लिए इतना ही काफी है।
चलो जल्दी करो, बहुत देर हो गई है, वहाँ जाकर मुझे ही सुनना पड़ेगा। चलो जल्दी जल्दी करो। सुनो, मैं बाद में रूम पर आऊंगा। ए, तू क्या बकवास कर रहा है? मुझे समझो क्या है? अरे अरे, गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई, बस। श्री भैया कहाँ हैं? वो बाहर गए हैं। और सुधीर? वो दोनों एक साथ ही गए हैं। सुधीर के घर वाले यही हैं। नहीं नहीं, उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत नहीं है। दरअसल मुझे एक घर चाहिए, श्री भैया से यही कहने के लिए आई थी। मैं चलती हूँ। पवित्रा, मैंने अपने प्यार का इजहार नहीं किया तो लेकिन मैं खुद जाकर ये बात नहीं कह पाऊंगी, इसलिए तुम्हें मेरी मदद करनी है। तुम उनसे ये सब कहोगी ना? क्या बात है सर? क्या बात है? नाटक मंडली के नाम पे गलत धंधे करते हो। बैठाओ इसे गाड़ी। सर, 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 भगवान से डरिए, ये किसी की चाल है हमें बेइज्जत करने के लिए। अब चल हट यहाँ से। सर, तुम लोग इधर जाओ, तुम लोग उधर जाके देखो, जाओ। सर, 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 प्लीज, मेरे और मेरे परिवार की यहाँ बहुत इज्जत है सर, भगवान के लिए हमें अपमानित मत कीजिए सर, प्लीज मेरी बात सुनिए। छोड़ो छोड़ दीजिए, मेरी बात का विश्वास कीजिए सर, उनकी कोई गलती नहीं है, उन्हें छोड़ दीजिए सर, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ सर, प्लीज प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए सर, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। आज उस परिवार की इतनी बेइज्जती होनी चाहिए कि पहले कभी किसी की न हुई हो। आज के बाद वो लेडी डॉक्टर तो क्या, कोई भी लड़की उस घर में शादी के लिए तैयार नहीं होनी चाहिए। लड़कियों से धंधा करा के उसकी कमाई खाता है, शर्म नहीं आती तुझे? सर नहीं, सर, सर मेरी बात मानिए, भगवान के लिए ऐसी बातें मत कीजिए, मुझे मारिए सर, चाहे तो जान से मार दीजिए, लेकिन मेरे और मेरी बहनों के बारे में ऐसे शब्द मत बोलिए। सामने से हक करवाते वक्त नहीं सोचा था? अरे छोड़, बोलो उससे, मेरे भाई को छोड़ दे भगवान, अरे उसने ऐसा कुछ नहीं किया, धंधा करती और बोलती है। तूने मेरी बहन पर हाथ उठाया, क्या ही छोड़ूंगा तुझे? सुधीर, नहीं सुधीर, जो करना है कर ले, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पर हाथ उठाने की? नहीं आता है क्या? चल आकाश में है, पाताल में है, लेकिन कहीं ना कहीं तो है भगवान, कहाँ है पता नहीं, वरना हम वहां से वापस नहीं आते। जीत की खुशी मनाने के लिए सभी साथ में होते हैं,
लेकिन हार में हम हमेशा अकेले ही होते हैं। बस ये समझो कि कुछ नहीं हुआ, ये साजिश है और भगवान इसका दंड उन्हें देगा। आप जिस भगवान की बात कर रहे हैं उससे मुझे कोई उम्मीद नहीं है। मैं दुखी नहीं हूं, बस थक गया हूं, अब मैं सोने जा रहा हूं। तेरे ऊपर हाथ उठाया तो माँ ने रोक दिया ये कहकर कि तू बड़ा भाई है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अन्याय करने वाला कोई भी हो, चाहे रिश्तेदार ही क्यों ना हो, उससे दंड देना ही चाहिए। और तू तो आज तक अन्याय करता रहा, तुझे दंड मिलना ही चाहिए, दंड मिलना ही चाहिए। देख क्या रहे हो, पीछा करो उसका। ए, तुम लोग उस तरफ जाओ, जाओ। कितनी देर तक उसकी राह देखोगी? उसे कुछ नहीं होगा। के हाथ नहीं लगना चाहता, नहीं तो वो मुझे जान से मार देंगे। मुझे मौत से डर नहीं लगता, लेकिन मुझे औरों की चिंता है, मेरे अपने लोगों की। अगर मुझे कुछ हो गया तो वो बर्बाद हो जाएंगे, उन्हें जिंदा रखने के लिए मुझे थोड़ी जमीन की जरूरत है। कल मेरे केस की सुनवाई है, मुझे कोर्ट में हाजिर होना होगा, और तब तक मैं उनके हाथ नहीं आना चाहता, वरना वो लोग मुझे मार देंगे। पवित्रा, मैं अभी मरना नहीं चाहता। क्या चाहिए तुम्हें? हटो। तुम अंदर नहीं आ सकते, ये अन्याय मैं नहीं होने दूंगा। अन्याय करने के लिए नहीं, देखने के लिए आया हूँ। वो मुझे जान से मारना चाहता है ना? मैं भी देखता हूँ कैसे मारता है।
बुलाओ उसे बाहर। वो यहाँ नहीं है और ना यहाँ पे आया, उसे जहाँ ढूंढना है जा करके ढूंढो। तकलीफ मत करो, ये काम हम लोग कर लेंगे। मुंह क्या देख रहे हो, जाकर अंदर देखो उसे। कोई नहीं जाएगा, छोड़ो मुझे। अब तक उसमें जरा भी हिम्मत बची होगी ना तो आज वो भी निकल जाएगी। हेलो पुलिस स्टेशन। अरे होगा पुलिस को बुलाने से, सुधीर आज नहीं बचेगा, उसकी जिंदगी का फैसला कोई और नहीं, मैं करूंगा। मैं देखो तुम एक बेकसूर के साथ ऐसा नहीं कर सकते। कल जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन वो सब देखने के लिए सुधीर जिंदा नहीं बचेगा, याद रखना। मत कर, तू गलत कर। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। चलो भगवान मेरा बच्चा। हॉस्पिटल जाए बिना यहाँ इलाज करने से कोई खतरा तो नहीं है ना? कोई खतरा नहीं है, तुम डरो मत। हॉस्पिटल इतना सेफ नहीं है, वो लोग कभी भी वहां पहुंच सकते हैं। यहाँ रहना ही ठीक है, फिक्र मत करो। सुधीर के लिए मन से प्रार्थना करने वाला तुमसे ज्यादा कोई नहीं है। तुम ही इसके पास रहो तो ज्यादा अच्छा है। मैंने तो बस शरीर की पढ़ाई की है, पर मन के दुखों को कैसे दूर करना ये नहीं सीखा। तुम्हारे मन में कहीं कुछ? मैं तुम्हारे और सुधीर के रिश्ते को समझ नहीं पाई, लेकिन अब मुझे पता चल गया है। अब भी तुम्हारे दिल को दुखाया तो भगवान भी मुझे माफ नहीं करेगा। ये सब मेरी गलतियों की सजा है। शांता दीदी ने मुझे सब बता दिया। तुम दोनों के बीच के संबंधों की गहराई शांता दीदी अच्छे से जानती हैं। सुधीर बस तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा है पवित्रा। मुझे पता नहीं कब सुधीर से प्यार हो गया। अब उसके प्यार को अपने दिल से निकालने की शक्ति नहीं रही। सही कहा, पत्थर पर पड़ी लकीरों को मिटाया जा सकता है, पर दिल पर खींची लकीरों को कभी मिटाया नहीं जा सकता। यहाँ जो इंसान लेटा है उसे अपने जीवन में बस दुख, अकेलापन और हमेशा रसवाई मिली है। अगर तुम चाहो तो इसके जीवन में खुशहाली ला सकती हो। तुम मत समझना कि मैं कोई त्याग कर रही हूँ। सुधीर और मेरे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारी जिंदगी कब किसके साथ बीतेगी इसका फैसला हम नहीं बल्कि भगवान करते हैं। और भगवान का यही फैसला है। मैंने तुम्हें सुधीर से जो कहने के लिए कहा था वो अब मत कहना, बस तुम उनके साथ रहना। कल केस की सुनवाई है और किसी भी हाल में इन्हें ये केस जीतना है। आज रात की ही तरह सुधीर के जीवन में एक प्रार्थना की तरह हमेशा उनके साथ रहना। सर कुछ भी करके कल सुबह 10 बजे तक सुधीर को कोर्ट में ले आएंगे क्या? उसकी जान को खतरा है, होशियारी से लेके आना। बी केयरफुल। ओके सर, थैंक यू। हमारे वकील साहब सुकुमार जी का फोन था। उनका ये कहना है कि सच्चाई हमारी ही तरफ है, इसीलिए फैसला हमारे ही पक्ष में होगा। मुझे केस फैसला जायदाद कुछ नहीं चाहिए श्रीधर, मुझे मेरा बेटा मिल जाए बस यही काफी है। मुझे उसे अभी देखना है। वो एक बहुत ही सुरक्षित जगह पर है। इस समय इतनी रात को ना हम लोगों का वहाँ जाना ठीक है और ना ही उसका यहाँ आना ठीक है। सुबह तक इंतजार करना होगा। हे भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना। ओम त्र्यंबकम् यजामह सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीये मामृतात्। ओम त्र्यंबकम् यजामह सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीये मामृतात्। ओम त्र्यंबकम् यजामह सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीये मामृतात्।
हारे हुए को बार बार क्यों हराना चाहते हो? केस जीतना चाहता है तू क्यों? मेरी बात समझो भैया, मैं केस हारना नहीं चाहता क्योंकि कुछ बेसहारों के रहने के लिए मुझे एक ठिकाना चाहिए। नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं। मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, चांस से मार दूंगा तुझे। तो फिर आज फैसला हो ही जाए, या तो तुम या मैं। नातों के बारे में सोचे बिना एक अन्यायी और पापी को उसे उसका दंड दो। पापियों का संहार करना ही धर्म है, खत्म कर दो उसे। घर ही नहीं, सारी जायदाद में इन्हें बराबर का हिस्सा दे।
उठाकर ये चाबी इनके हाथ में दे। मुझे भगवान पे विश्वास है, भगवान मेरे बच्चों के साथ अन्याय कभी नहीं सहेगा, समझो। नहीं भैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने कभी भी इसकी इच्छा नहीं की थी। आकाश से भी बड़ा महल, धरती से भी बड़ी जमीन, इन सब से बड़ी जायदाद मेरे लिए मेरा बड़ा भाई है। मेरे सिर पर हमेशा उसका हाथ रहना चाहिए। अरे सुधीर बहारा, अरे मुझे जो पैसे देने वो तो दे दे। पाल भैया, ये रहे आपका पूरा असल और ब्याज, ये लीजिए। पूरा हिसाब करके मुझे भगा देगा क्या? हाँ। अब मेरे लिए मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा भाई सब यही है। तुम तो जानते हो इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। तुम कृष्ण को मानते हो, मैं यीशु को मानता हूँ, बस। वो रिश्ता तो अब खत्म हो गया पाल भैया, ये लीजिए। अब आप इस घर में किराएदार की तरह नहीं रहेंगे, इस परिवार का हिस्सा बनकर रहेंगे। आइए। अरे ये चोर फिर से आ गया। सुधीर जल्दी तैयार हो जाओ, एक नाटक करना है भाई। अपना गोपाल गुस्सा होकर भाग गया। ओ, काम करने के लिए तो मैं तैयार हूँ। ये बताओ कि किरदार क्या है? नायक का। साक्षात भगवान श्री कृष्ण का।